मान हमको और आपको कराएंगे। तो आइए इससे पहले की पावन कथा में हम और आप लोग प्रवेश करें, शब्दपान करें और खो जाएं, उससे पहले मैं आप सभी को लेकर चलूंगा श्रीधाम प्रदावन में चल रही उन पावन सेवाओं को, जो सेवाएं निरंतर श्रीधाम प्रदावन में तो चल रही हैं, परंतु आज उन सेवाओं को देखने के लिए पूरी दुनिया भर से लोग आ रहे हैं। एक बार जोरदार तालियां सदोड़िए भगवान के लिए, इतने सुंदर कार्य सेवा के रूप में यहाँ श्रीधाम प्रदावन से करने के लिए और हम और आपको जोड़ने के लिए वास्तव में बड़ी सौभाग्यशाली हम और आप लोग हैं, जिन्हें इन सेवाओं को साक्ष्य अपनी आंखों से देखते हुए साक्षात दर्शन करने का और उनसे जुड़ने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। ऐसे में मैं चाहूंगा कि सदगुरु भगवान तो निरंतर सेवा कर ही रहे हैं, क्यों ना आप भी सेवा के दिव्य पथ पर चल करके सेवा करें और आप भी किसी दीन दुखी असहाय लोगों को सहारा देते हुए उनसे आशीर्वाद प्राप्त करें और हमारे गौरी गोपाल आश्रम परिवार का आप भी हिस्सा बन जाएं। आइए सेवाएं निरंतर श्रीधाम वृंदावन में चल रही हैं, मैं चाहूंगा कि ऐसे में आप भी थोड़ा सा पुण्य कमाएं, क्योंकि पुण्य ही है जो आपके साथ जाता है, बाकी तो सब यहीं रखा रह जाता है। तभी किसी ने बड़ी सुंदर बात कही है कि कौन हिसाब रखता, किसको कितना देना है, किससे कितना लेना है, इसलिए ईश्वर ने सबको खाली हाथ भेजा कि खाली हाथ ही आना है और खाली हाथ ही जाना है। यही इसीलिए केवल जाएगा तो केवल हमारे पुण्य और अच्छे कर्म हमारे साथ जाएंगे, तो फिर क्यों ना पुण्य करें, क्यों ना अच्छे कर्म करें। आइए सदगुरुदेव भगवान तो कर ही रहे हैं, मैं चाहूंगा कि आप भी करें और हम भी करें, सेवाओं को आगे बढ़ाने में सहायता प्रदान करें और पुण्य की प्राप्ति करें। आइए यहाँ बड़ी सुंदर पावन सेवा गौरी गोपाल आश्रम परिवार और सदगुरुदेव भगवान के माध्यम से इन की हो रही है, जिन माओं को यहाँ केवल आश्रय ही नहीं मिला, उनको वो खोया हुआ परिवार भी मिला, वो प्यार भी मिला जो कलिकाल में स्वार्थ के बस कहीं ना कहीं पीछे छूट गया है। आइए इन माओं को सताने वाले कोई और नहीं, उनकी सगी औलादें जिन्होंने सताया ठुकराया, आज उनका सहारा हम और आप लोग बन करके पुण्य कमा सकते हैं, वो भी मात्र 21,000 रुपए के छोटे से योगदान से। ऐसे में मैं चाहूंगा कि आप इन माओं की सेवा से अपने आप को जोड़े, माओ का हाथ थामे, धर्मपुत्र अथवा धर्मपुत्री बने और पुण्य की प्राप्ति करें। इसी के साथ में आप इन माओं को भोजन अब अपने हाथों से करा सकते हैं। सदगुरुदेव भगवान तो कहते हैं कि आप अपने माता पिता को अपने घर पर तो कराएं, यहाँ रहने वाली माओं को भी अगर आपको ये मौका मिले तो आप अपने घर की रोटी के लिए अपना योगदान के हाथ आगे बढ़ा, तो इन माओं को भोजन प्रसादी अपने नाम से, अपने बच्चों के नाम से जरूर कराएं। यहाँ रहने वाली 275 माओं के लिए आप कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं तो 100 माओं के लिए, 50 माओं के लिए, 10 माओं के लिए, और ये भी नहीं हो पाता तो कम से कम किसी एक माँ के लिए कम से कम 70 रुपए तो आप दे ही सकते हैं, जिसके माध्यम से उस माँ को भरपेट भोजन मिलेगा। आइए मैं चाहूंगा माँ की भोजन प्रसादी की सेवा के साथ में यहाँ निरंतर प्रातःकालीन बिला में चलने वाले गौरी गोपाल अन्य क्षेत्र की दिव्यतम पावन सेवा से भी आप अपने आप को जोड़ें। यहाँ चलने वाले इस गौरी गोपाल अन्य क्षेत्र की पावन सेवा से जुड़कर आप हजारों संतों के दर्शन करते हैं और उन्हें अपने हाथों से प्रसादी पवाते हुए देखते हैं सदगुरु भगवान को, साथ ही आप स्वयं भी यहाँ करके सदगुरु भगवान के साथ में खड़े होकर के उन्हें प्रसादी बांट सकते हैं, वितरित कर सकते हैं, पवा सकते हैं। और यह संपूर्ण सेवा एक दिन की मात्र 11,000 रुपए के छोटे से योगदान से हो जाती है, जहाँ आप हजारों संतों को प्रसादी पवाते हैं और आप पुण्य लूट कर ले जाते हैं। आइए ऐसे में मैं चाहूंगा कि संत सेवा तो आप करें ही, साथ ही इन संतों के लिए आप 100 संतों के लिए, 50 संतों के लिए, अगर ये भी नहीं हो पा रहा है तो कम से कम किसी एक संत के लिए अपने योगदान के हाथ आगे जरूर बढ़ाएं। इसी के साथ में यहाँ चलने वाली बड़ी सुंदर पावन गौरी गोपाल रसोई, जिसकी चर्चा आज पूरी दुनिया में हो रही है और जिनको देखने के लिए आज दुनिया भर से लोग आते हैं, आप यहाँ पूरा पांडाल खचाखच भरा हुआ है और मुझे विश्वास है कि आप में से ज्यादातर लोगों ने, सभी लोगों ने प्रसाद यहाँ पाया होगा और आपने ये महसूस किया होगा कितना सुंदर प्रसाद यहाँ पाने को मिलता है। एक बार जोरदार तालियां सदगुरुदेव भगवान के लिए इस पावन दिव्यतम विशालतम रसोई के लिए, जिसके माध्यम से हजारों लोगों को यहाँ भरपेट निःशुल्क भोजन प्रसाद मिल रहा है। ऐसे में मैं चाहूंगा कि एक दिन की सेवा क्यों ना आप भी अपने हाथों से करें, वो भी मात्र 31,000 रुपए के छोटे से योगदान से, और आप भी हजारों लोगों को अपने नाम से, अपने बच्चों के नाम से, अपने पूर्वजों के नाम से अन्नदान के हाथ आगे बढ़ाते हुए प्रसादी पवाएं। देखिए अभी रसोई के दर्शन आप कर पा रहे हैं, हजारों लोग अंदर बैठे हैं और बाहर भी लोग खड़े हैं और प्रतीक्षा रहती है पूरे दिन भर, रात्रि तक ये रसोई चलती रहती है और तब तक रसोई चलती है जब तक कि यहाँ आने वाला आखिरी भक्त जरूरतमंद प्रसादी ना पाले। इतनी सुंदर सेवा अगर कोई कर सकता है तो वो हमारे गुरुदेव ही कर सकते हैं। एक बार पुनः जोरदार तालियां सदगुरुदेव भगवान के लिए इस पावन दिव्यतम रसोई की सेवा के लिए। अब आइए मैं चाहूंगा कि गुरुदेव भगवान तो कर ही रहे हैं, एक दिन की सेवा आप भी करें और आप भी दिव्यतम रसोई की सेवा से जोड़कर पुण्य की प्राप्ति करें। इसी के साथ में अन्यत्र सेवा संत निवास कार्य के लिए गौमाताओं की पावन सेवा के लिए आप गौदान कर सकते हैं। गौचर भूमि ऐसी भूमि जहाँ गौमाताओं के लिए हरा चारा उगाया जाएगा। ऐसी भीषण गर्मी में गौमाताओं के लिए हरे चारे की आवश्यकता रहती है, तो आप भी मैं चाहूंगा कि पुण्य तो आप प्राप्त करें ही, ऐसी भूमि का दान करें जहाँ से आजीवन यहाँ इन गौमाताओं के लिए गौशाला के लिए हरा चारा उगाया जा सके। आइए गौचर भूमि के लिए अपने योगदान के हाथ आगे बढ़ाएंगे। आप गौमाताओं के पग के हिसाब से 1 पग 2 पग 10 पग 11 पग जितना आप चाहें गौमाताओं के पग के हिसाब से भूमि दान आप गौचारण भूमि के लिए कर सकते हैं। इसी के साथ में यहाँ अन्यत्र और भी सेवाएं चल रही हैं। आप जिन सेवाओं के बारे में सुनते हैं देखते हैं, आइए इन्हीं सेवाओं के लिए किन्हीं दानवीर महापुरुषों ने आपकी मदद से ही अपने योगदान के हाथ आगे बढ़ाए, पावन सेवाओं को आगे बढ़ाने में सहायता प्रदान की, पुण्य कमाया। ऐसे दानवीर महापुरुषों के नाम सुनेंगे। आज की श्रेणी में आदरणीय श्री दलपत राणा भाई जी राठौर, आप मुंबई से और आपने आश्रम के फर्श के लिए, जहां माओ के लिए आश्रम बन रहा है उस आश्रम में फर्श के निर्माण कार्य के लिए 51,000 रुपए का योगदान दिया। एक बार जोरदार तालियां दलपत राणा भाई जी राठौर के लिए, उनके पूरे परिवार के लिए जिन्होंने पुण्य और आशीर्वाद लिया है। आइए इसी श्रेणी में पशुपतिनाथ झा मधुबनी बिहार से 25,000 रुपए आप गौदान की पावन सेवा के लिए। सुशील कुमार लखनऊ से आप 25,000 रुपए आप भी गौदान की पावन सेवा के लिए 25,000 रुपए का योगदान दे रहे हैं। इसी श्रेणी में सुरेश जी आप चंद्र जी स्वर्गीय है, साथ ही स्वर्गीय लज्जावती जी चंद्र जी के नाम से अमृतसर पंजाब से 21,000 रुपए का योगदान देते हुए एक माँ को सहारा दिया गया है। आपके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। इसी श्रेणी में मुकेश कुमार चौधरी आप नांदेराव जी चौधरी आप 21,000 रुपए दे रहे हैं। झारखंड से एक माँ का आजीवन सहारा बनते हो नील कुमार जी उपाध्याय, भोपाल से आप 21,000 रुपए देते हो, एक माँ का आजीवन सहारा बने, आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। निशाल सिंह यादव आप देवरिया से 21,000 रुपए देते हो, एक माँ का आजीवन सहारा बने। विकास शर्मा जी फरदाबाद से 20,000 रुपए, शारदा देवी अंजना देवी आप, हितेंद्र वर्मा जी 15,401 रुपए, सरला गुप्ता सतना से 11,101 रुपए, पुन्यासी देवी टीका राम जी आप कचला में परोला उठनी से आप 11,101 रुपए, रौनक राज जमुई बिहार से 11,000 रुपए, प्रभात हुए जयपुर से 11,000 रुपए, प्रेम प्रदास शर्मा जी जयपुर राजस्थान से ब्रह्माओं के लिए 11,000 रुपए, तो श्रीराम पटेल आप सूर्यास्त पटेल मानसुमन से 11,000 रुपए, मनोज कुमार तिकमानी तमिलनाडु से 11,000 रुपए का योगदान दे रहे हैं। अविनाश तिकमानी आप तमिलनाडु से 11,000 रुपए अन्य क्षेत्र की पावन से बगली, कांतारानी आप कुरुक्षेत्र हरियाणा से आप 10,500 रुपए, कमलशील आप जयपुर राजस्थान से 5,121 रुपए दे रहे हैं। आपके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। इसी श्रेणी में ठाकुरदास बिलासपुर से 51 रुपए, कृष्ण नेलवाल आप देहरादून से 5,100 रुपए, सत्यनारायण यादव जी बिहार से 5,000 रुपए, प्रदीप सिंह अमृतसर पंजाब से 500 रुपए, शारदा देवी सोनीपत से सावित्री जी 4,201 रुपए दे रही हैं। आपके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। इसी श्रेणी में 3,101 रुपए दिनेश कुमार आप अनूपपुर से मध्यप्रदेश से, अर्चना अग्रवाल जी 31 रुपए, लता देवी सीतामढ़ी बिहार से आप 31 रुपए, धर्मवीर प्रताप चूरू राजस्थान से 22 रुपए, चंद्रपाल सिंह जी लखनऊ से आप 21 रुपए, शशिकांत सिंह जी पटना से आप 21 रुपए, सत्येंद्र यादव जी आप 21 रुपए, शकुदा जी रुकुमार रोहतास बिहार से 21 रुपए, अंजना जी अजय अस्थाना फरीदाबाद से अंजना जी 21 रुपए आप दे रही है। निपुणा त्रिलोचन जी वैष्णव मासूमन से आप 21 रुपए, सो देवी कोलकाता से 21 रुपए, कला देवी आगरा से आप 21 रुपए, सविता जी पैकरा बिलासपुर से आप 21 रुपए, शिवचंदलाल जी शर्मा भरतपुर राजस्थान से आप 21 रुपए, सोनम देवी आप दिल्ली से 21, गोपाल जगन्नाथ जी भोयर आप नागपुर से 21 रुपए, कोसा सिंह जी आप समझ से उत्तर प्रदेश से 2,000 रुपए का योगदान आप दे रहे हैं। इसी श्रेणी में विशेष सहयोग के हाथ आगे बढ़ाते हुए अपने आप को जोड़ रहे हैं, जिसमें संतोष कुमारी समझ से, जय गोविंद जाम मधुबनी बिहार से, सती दुबिया नागपुर से, गंगा देवी नई दिल्ली से, प्रिंस मिश्रा गुरुग्राम से, अमर कुमार जी सीतामढ़ी बिहार से, धनिक लाल जी साहू आप मधुबनी बिहार से, रेखा देवी मुकेश कुमारी नोएडा से, आनंद सिंह जी बिष्टा उत्तराखंड से, आशीष कुमार जी अमरावती से विशेष सहयोग के हाथ आगे बढ़ा रहे हैं। प्रभात श्री आप नायक उड़ीसा से, आशीष कुमार अमरावती से, उमेश जी गुप्ता मृत्युंजय कुमार सिंह द्वारका से, संयुक्ता जी आप गीतांजलि जी आप जम्मू से, पवन कुमार चूरू राजस्थान से, प्रेम प्रदास जी आप नई दिल्ली से, तेजाराम जी माली पवन कुमार जी राजस्थान से, रितेश गुप्ता देवरिया से, जहरीश जी जादवा मुंबई से, विशाल शुभम जी गोरखपुर से, अरविंद जी अश्विता जी ओम प्रकाश नागपाल जी ओमकार प्रसाद रजक जी भास्कर संजय कामूर्ति जी आप भी विशेष सहयोग के हाथ आगे बढ़ा रहे हैं। आपके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। इसी श्रेणी में अनीता देवी सुधीर कुमार सिंह जी समस्तीपुर बिहार से, जोशी दुर्गा बहन जी रामस्वरूप जी अहमदाबाद गुजरात से, जयंती देवी रांची झारखंड से, अमरदीप पुरी लखीमपुर खेरी से, कुमार जी आप केसर रिजपाल सिंह जी बीकानेर राजस्थान से, ध्रुव कुमार सेठ आप लखनऊ से, जितेंद्र बहादुर सिंह जी महाराजगंज उत्तर प्रदेश से, रितेश कुमार जी गुप्ता आप कुशीनगर से, प्रहलाद देवी मनोज कनौजिया जोनपुर उत्तर प्रदेश से, अविनाश साहू जी उड़ीसा से, तुकाराम शंकर मालिक सांगली से, सत्यनारायण गुप्ता जयपुर राजस्थान से, नीतीश कुमार राम भरोसे आप दिल्ली से, राहुल कुमार जी अलीगढ़ से, संतराम जी दिल्ली से, संपत जी सर्वे बालाघाट मध्य प्रदेश से, नीतीश जी बड़ोदरा गुजरात से, केशव यादव जी देवरिया उत्तर प्रदेश से और विनय अग्रवाल जी हैदराबाद से विशेष सहयोग के हाथ आगे बढ़ा रहे हैं। वहीं राधेश्याम जी 11,000 रुपए अन्य क्षेत्र की पावन सेवा के, हरिचंद जी करनाल से आप 2,000 रुपए, भीमराज जी महाराज से 7,101 रुपए, विष्णुदत्त शर्मा जी बिलासपुर से आप 31 रुपए, नारायणी देवी उत्तराखंड से आप 21,000 रुपए, नारायणी देवी जी उमेश सिंह जी उत्तराखंड से 22 रुपए और प्रदान करें। आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अश्विनी कुमार दुबे आप रिया से विशेष, शांति देवी द्रौपदी धनीराम जी माहौली से 10,000 रुपए, सोनू मोनू जी अलवराई से आप विशेष, आशा जी गोविंद जी महाराज से विशेष सहयोग 4,401 रुपए, अरुण प्रताप जी आप जादौन सा परिवार आगरा से प्रदान करें, अग्रवाल परिवार गाजियाबाद से मिश्रा, सोनी मिश्रा आगरा से, मीरा देवी फरीदाबाद से 5100 रुपए, अरविंद कुमारी राजस्थान से 11000 रुपए अन्य क्षेत्र की 52 सेवा के लिए दे रहे हैं। इसी श्रेणी में उज्जैन से सुनील कुमार जी, विजय सर BRS चौहान आप उज्जैन से, विजय सर रुद्रनाथ जी कोलकाता से, आलोक जी मिश्रा गुजरात से 2500 रुपए, घनेश्वर मिश्रा जी छत्तीसगढ़ से, राकेश कुमार जी आप सुजानपुरा टीकरा हिमाचल से 1100 रुपए, सवना जी छत्तीसगढ़ से, रामकिशन जी मध्यप्रदेश से, विजय सहयोग सरस्वती बंगाल से 2000 रुपए, सुमजी रस्तों की आप विजय सहयोग 2261 रुपए, रामरूप जी नीला देवी आप हरियाणा से प्रदान करिए 1100 रुपए, अर्जुन सिंह जी आप बिहार से, रीना जी रामपुर से, विजय सहयोग गुप्तदान छाता से 43000 रुपए, छाता उत्तर प्रदेश से, दीपक दुबे जी आप छिपरा से आप विजय सहयोग, दीपिना कुमारी एम एस शर्मा जी छत्तीसगढ़ से 1100 रुपए, कुलवीर चंद जी जम्मू से 11000 रुपए दे रहे हैं, आपके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। इसी श्रेणी में हर प्यारी आप रोना जी फरीदाबाद से 5100 रुपए, आरुष शर्मा जी कानपुर से आप विजय सर, ज्ञान जी गोरखपुर से विजय सर, अमर जी रज्जू हिमाचल से विजय सर, चंपा देवी मनोज कुमार जी न्यू पटेल नगर दिल्ली से 11000 रुपए, कमलेश जी सकुंतला जी फरीदाबाद से 3601 रुपए, बालकृष्ण पूनम जी नोएडा से 5100, पुष्पा देवी उत्तराखंड से, देवकी देवी आप कामा से 2100 रुपए, पिताजी बिना आप 2100 रुपए, कंचन देवी जम्मू से आप 1100 रुपए, लीला जोशी उत्तराखंड से विजय सहयोग के हाथ आगे बढ़ा रहे हैं। इसी श्रेणी में हेमलता जी आप पोखरियाल आप दिल्ली से, विजय सर सावित्री तिवारी आप द्रौपदी वंश गोपाल जी तिवारी मध्य प्रदेश से, ईश्वर जी आप दिल्ली पुलिस से, प्रमोद कुमार जी आप दिल्ली पुलिस से, विजय से के हाथ आगे बढ़ा रहे हैं। सरोज अग्रवाल आप जबलपुर मध्य प्रदेश से, यशोश्री शर्मा आप हापुड़ से 11000 रुपए, रेखा कुमारी पटना बिहार से, विजय सर श्रवणी देवी आप उत्तराखंड से, विजय सर संगना देवी बिहार से, उषा देवी नोएडा से 2000 रुपए, बिला जोशी धर्मपति नवीन चंद्री जोशी जालौपर से 11000 रुपए, अनुसुईया नाथ जी आप उड़ीसा से, विजय सर स्वर्गीय श्री दिलीप नाम शर्मा के नाम से छत्तीसगढ़ से 2100 रुपए, प्रतिमा शर्मा रामपुर से, विजय सर शशिकांत जी भाई आप छत्तीसगढ़ से, राधारानी सिलीगुड़ी पश्चिम बंगाल से, सुनीता जी पटना बिहार से, सुषमा मेहता जी आप बिहार से विजय सहयोग के हाथ आगे बढ़ा रहे हैं। इसी श्रेणी में हर प्यारी देवी दिल्ली से 31101 रुपए का योगदान दे रहे हैं। एक बार जोरदार तालियां सभी दानवीर महापुरुषों के लिए जिन्होंने अपने योगदान के पावन हाथ आगे बढ़ाए, पावन सेवाओं से जोड़ा, पुण्य लाभ अर्जित किया। ऐसे सभी दानवीर महापुरुषों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अब आइए मैं निवेदन करूंगा, जितने भी मेरे प्यारे भाई बहन यहाँ बैठे हैं, आपने दानवीर महापुरुषों के नाम सुने, पावन सेवाओं के दर्शन किए, आप इस पावन दानवीर महापुरुषों की श्रेणी से जुड़े, पावन सेवाओं को आगे बढ़ाने में अपना योगदान दें और पुण्य और आशीर्वाद प्राप्त करें। आइए जितने भी मेरे प्यारे भाई बहन यहाँ बैठे हैं, उनके लिए काउंटर यही लगा है, काउंटर पर जाकर के अपने योगदान के हाथ आगे बढ़ाते हुए आप अपने आप को जोड़ सकते हैं। और जो लोग घर बैठे अपने योगदान के हाथ आगे बढ़ाते हुए अपने आप को जोड़ना चाहते हैं, उनके लिए लगातार टीवी चैनल के माध्यम से खाता संख्या, फोन नंबर और QR कोड दिखाया जा रहा, ताकि वो लोग घर बैठे ही अपने योगदान के हाथ आगे बढ़ाते हुए अपने आप को जोड़ सके। इसी के साथ में लगातार खाता संख्या, फोन नंबर और QR कोड दिया जा रहा, ताकि आप सहजता और सरलता के साथ में अपना हाथ आगे बढ़ा सकें, पुण्य लाभ अर्जित करते हुए। इसी के साथ में आइए चलेंगे आज के मधुर मंगल बेला की ओर। एक बार पूरा दोनों हाथ उठाकर उसी भाव के साथ में, बड़े ही जोश के साथ में मेरे साथ बोलेंगे, राधे राधे। हरी श्री गणेशाय नमः, श्री सरस्वत्यै नमः, श्रीमते रामानुजाय नमः, श्री गौरी गोपालाभ्यां नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं, देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। लक्ष्मीनाथ समारम्भात् नाथयामुनिमध्यमां अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरु परम्पराम्। जय जय श्री राधा रमण, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चित चोर प्रभु, जय जय माखन चोर, जय जय माखन चोर। राधा मेरी मात है, पिता मेरे घनश्याम, इन दानों के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम, मेरा कोटि कोटि प्रणाम। आए से लो हरि का नाम। सब भक्तों को अनिरुद्ध की जय जय राधे श्याम, जय जय राधे श्याम, जय जय राधे श्याम, जय जय सीताराम। मीठे रस से भरियोड़ी राधा रानी लागे, महारानी लागे। मोहे मीठो मीठो यमुना जी को पानी लागे। मीठे रस से भरियोड़ी राधा रानी लागे, महारानी लागे। मोहे कारो कारो यमुना जी को पानी लागे। राधे 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 श्री राधे राधे। से भरियोड़ी राधा रानी लागे, महारानी लागे। मोहे कारो कारो यमुना जी को पानी लागे। मीठे रस से भरियोड़ी राधा रानी लागे, महारानी लागे। मोहे कारो कारो यमुना जी को पानी लागे। गौरी गौरी यमुना मैया कारी कारी राधा गौरी गौरी, यमुना मैया कारी कारी राधा गौरी गौरी। वृंदावन में धूम मचावे, वृंदावन में धूम मचावे बरसाने की छोरी, वृंदावन में धूम मचावे बरसाने की छोरी। ब्रज धाम राधा जू की, ब्रज धाम राधा जू की राजधानी लागे, महारानी लागे। मोहे कारो कारो जमुना जी को पानी लागे। मीठे रस से भरियोरी राधा रानी लागे, महारानी लागे। मोहे कारो कारो यमुना जी को पानी लागे। राधे हरि राधे 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 राधे। मुरली में तेरे सुमरे बारंबार, कान्हा नित मुरली में तेरे सुमरे बारंबार, कान्हा नित मुरली में तेरे सुमरे बारंबार, कोट निरूप धरो मन मोहन कहो, कोट निरूप धरो मन मोहन कहो न पाओ पार, कोट निरूप धरो मन मोहन कहो न पाओ पार, रूप रंग की छबीली पटरानी लागे महारानी लागे, मोहे कारो कारो जमुना जी को पानी लागे, हमें रस से भरियोरी राधा रानी लागे महारानी लागे, मोहे कारो कारो जमुना जी को पानी लागे, राधे और न कोई मिठाई, ना भावे मन माखन मिश्री और न कोई मिठाई, हो ना भावे, ना भावे मन माखन मिश्री और न कोई मिठाई, ना भावे मन माखन मिश्री और न कोई मिठाई, जी बढ़िया ने भावे अब तो बढ़िया ने भावे अब तो राधा नाम मिलाही, जी बढ़िया ने भावे अब तो राधा नाम मिलाई, रस भान की ललित तो गुणधानी लागे महारानी लागे, मोहे कारो कारो जमुना जी को पानी लागे, हमें रस से भरियोरी राधा रानी लागे महारानी लागे, मोहे कारो कारो जमुना जी को पानी लागे, राधे 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 की जय, श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर अखिल ब्रह्मांड नायक परात्पर परब्रह्म भगवान श्री कृष्ण की वांगमय प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण। दूर दूर से आई हमारी माताएं बहनें श्रोतागण भक्तगण, संस्कार टीवी और यूट्यूब पर कथा का रसपान कर रहे सभी भक्तों को जय श्री मन्नारायण, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। स्वागत है आप सभी भक्तों का आज की मंगलमयी अमृतमयी दिव्य कथा में। प्रिय भक्तों, भगवान की पावन कृपा से हम सभी भागवत जी की पावन गंगा में डुबकी लगाकर कथा का रसपान कर रहे हैं और अपने जीवन को कृतार्थ कर रहे हैं। भगवान की ये जो पावन कथा है, पावन रसमयी अमृतमयी कथा, यह हम सबके जीवन में संजीवनी बूटी का काम कर रही है। आए हुए सभी भक्तों का बहुत बहुत स्वागत, वंदन, अभिनंदन है। सबका स्वागत, सबको जय श्री मन्नारायण, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आप सबका मंगल हो, आपकी कीर्ति यश बढ़ता रहे, यही मंगल कामनाओं के साथ आइए प्रवेश करते हैं आज की दिव्य कथा में। इस कथा में आप सभी दूर दूर से आए हजारों भक्तों ने घर बैठ कर के कुछ YouTube पर कुछ यहाँ आप सब कथा सुन रहे हैं और 161 पाठ भागवत जी के पोथी पाठ यहाँ बैठे हुए हैं। 161 परीक्षित यहाँ पर भागवत की गंगा में डुबकी लगाकर अपने जीवन को कृतार्थ कर रहे हैं। भागवत का पाठ जो लोग करा रहे हैं, आप सभी बड़े भाग्यशाली हैं कि आपने जीते जी वह कार्य कर लिया जो हर व्यक्ति को कर लेना चाहिए। क्योंकि हम जो पाप करते हैं जाने अनजाने में, उन पापों का तो फल हमें मिलना ही मिलना है। लेकिन देखो, पाप तो हो ही गए हैं, तो क्यों ना आप पापों को छोड़कर और मन को पुण्य से जोड़ा जाए। कोई आपसे सवाल करे कि संसार का सबसे उत्तम पुण्य क्या है, सबसे श्रेष्ठ पुण्य क्या है, तो सबसे श्रेष्ठ पुण्य है अपना कल्याण कर लेना ही, आत्म कल्याण कर लेना ही सबसे श्रेष्ठ पुण्य है। हमने सब कुछ किया पर आत्म कल्याण ना कर पाए तो कोई अर्थ नहीं। इसलिए सबसे बड़ा पुण्य क्या है? अपना कल्याण। और इससे भी श्रेष्ठ यदि और कहें तो अपने साथ साथ औरों का भी कल्याण। और यह कैसे संभव है? श्रीमद् भागवत से। तो जो भागवत आप पोथी पाठ कराते हैं अपने पूर्वजों के लिए, अपने लिए, तो मुझे लगता है कि आप अपने ऊपर बहुत बड़ा उपकार करते हैं भागवत करा के। क्योंकि भागवत सुनने के बाद व्यक्ति के मोक्ष की गारंटी भगवान की है। ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम्यहम्। जो मुझे भजता है मैं उसे भजता हूं। भगवान कहते हैं जो मुझे भजता है मैं उसे भजता हूं। तो जो भगवान की शरण में है भगवान उसका कल्याण करते हैं। तो इस संसार का सबसे बड़ा पुण्य है आत्म कल्याण, अपना कल्याण। पहले अपना कल्याण कर लो, फिर दूसरों का कल्याण करना। जब आप फ्लाइट पर यात्रा करते हैं, आप कभी एरोप्लेन में बैठे होंगे, चील गाड़ी में, हवाई जहाज में, तो वहां जब आप सीट पर जाकर बैठते हैं तो एक अनाउंस होता है कि जब विमान ऊपर हो और आकस्मात ऑक्सीजन की कमी आन पड़े तो ऊपर से ऑक्सीजन जो उसमें सेट होती है, मास्क गिरता है, तो पहले वो बोलते हैं अपने को लगाएं फिर दूसरे की मदद करें। पहले वो मास्क खुद लगाएं फिर दूसरों को लगाएं, क्योंकि आप अपने को बचा पाएंगे तब ना दूसरों को बचा पाएंगे। अपने को ना बचा पाए तो दूसरों को क्या बचाएंगे। तो जो अपना कल्याण कर सकता है वही दूसरों का भी कर सकता है। जो अपना नहीं कर सका दूसरों का क्या करेगा। तो पहले अपना कल्याण कीजिए, और अपना कल्याण करना ही सबसे बड़ा पुण्य है। आप भागवत सुनते हैं, किसके लिए सुनते हैं? आप भागवत सुन करके अपने ऊपर उपकार करते हैं। क्या करते हैं? अपने ऊपर उपकार करते हैं। क्योंकि ये भागवत जो सुनेगा, आग में हाथ जो डालेगा उसका जलेगा। आग में हाथ जो डालेगा उसका हाथ, जहर जो खाएगा वो मरेगा, भागवत जो सुनेगा वही तरेगा। तो ये अपने ऊपर उपकार है। बेटा सुने तो बेटा तरे, बेटी सुने तो बेटी तरे, माँ सुने तो माँ तरे, पिता सुने तो पिता तरे, जो सुनेगा। इसलिए कहता हूं भागवत सुना करो। भागवत सुनने वाला किसी पर उपकार नहीं, खुद पर करता है। और बहुत बड़े उपकारी हैं वो लोग जो भागवत के परीक्षित बन करके औरों को भागवत सुनवाते हैं। इसलिए भागवत जी की पोथी पाठ अगली 12 अप्रैल से भागवत जी की पोथी पाठ है। आप भी अपने पितरों के लिए, पूर्वजों के लिए भागवत जी का पाठ बिठाना चाहें तो बिठा सकते हैं। प्रिय भक्तों, कल हम लोगों ने कथा में सुना कि धुंधकारी जैसा महान पापी भागवत सुन के तर गया। देखो, भागवत सुनी धुंधकारी ने तो उसका उद्धार हो गया, भागवत सुनी परीक्षित जी ने, परीक्षित जी का उद्धार हुआ। नाम जप किया अजामिल ने, अजामिल का उद्धार हुआ। भक्ति करी मीरा ने, मीरा का उद्धार हुआ। जो करेगा उसका कल्याण है, जो नहीं करता उसका कल्याण नहीं है। इसलिए भक्ति सबके लिए हितकारी है। सब जुड़ो भक्ति से। भागवत में भगवान के स्वरूप का, भगवान की लीलाओं का, भगवान के वैभव का दिव्य वर्णन है। भागवत जी जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतस् चार्थे स्वभिज्ञः स्वराट् तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये मुह्यन्ते यत्सूरयः तेजो वारि मृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्ति कुहकं सत्यं परं धर्मः प्रोज्झित कैतवोऽत्र परमो निर्मत्सराणां सतां वेद्यं वास्तवमत्र वस्तुशिविदं तापत्रयोन्मूलनम् श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किं वा परैरीश्वरः सद्यो हृद्यवरुध्यतेऽत्र कृतिभिः शुश्रूषुभिस्तक्षिणात् निगमकल्पितरोर्गलितं फलं शुकमुखाद्नितद्रवसंयुतं पिबति भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिका भुवि भावुकाः। भगवान जन्म आदि यस्य जन्माद्यस्य, जो परमात्मा सृष्टि को उत्पन्न करने वाले हैं, पालन करने वाले हैं, संहार करने वाले हैं, वो भगवान कैसे हैं? स्वानैव राजति इति स्वराट, जिन्हें किसी से प्रकाश लेने की। अच्छा, आपने कभी सोचा कि भगवान ने ये संसार बनाया तो कहां से लाए होंगे ये सब चीजें, कहां से लाए होंगे ये सब हड्डी, कहां से लाए होंगे ये सब माटी पत्थर, किस तरह से बनाया होगा? कोई मटेरियल तो चाहिए ना। तो उसमें कहा है कि भगवान जैसे मकड़ी अपने से जाल, अपने अंदर से जाल निकालती है, जैसे मकड़ी जाल का धागा कहीं बाजार से थोड़ी खरीदती है, मकड़ी का जो जाल होता है वो धागा कहां से लाती है? उसकी लार, उसके अंदर से ही वो धागा बुनती है। उसी तरह जैसे मकड़ी अपने भीतर से ही जाल तैयार करती है, उसी में खेलती है और फिर उस जाल को अपने अंदर वो निगल भी लेती है, खा भी लेती है उसी जाल को। उसी तरह भगवान ये संसार को अपने भीतर से वैसे ही प्रकट करते हैं जैसे मकड़ी अपने भीतर से जाल को प्रकट करती है। फिर ईश्वर उस मकड़ी की तरह संसार में रहते हैं आपके और हमारे रूप में, और फिर जब लीला पूरी हुई तो संहार कर लेते हैं। भगवान प्रकाशवान है, उन्हें किसी से प्रकाश लेने की, सलाह लेने की जरूरत नहीं पड़ती। सूर्य चंद्रमा भी भगवान से ही प्रकाशित होते हैं। चार्थेश्व भिज्ञः, जो भगवान सब कुछ जानते हैं। जिन पर मोहयंत यत् सूर्यः, बड़े बड़े यत् सूरी ब्रह्मा, माता सती मोहित हो गई, ब्रह्मा जी मोहित हो गए, देवराज इंद्र मोहित हो गए। जिन्हें सती, ब्रह्मा, इंद्र ना समझ पाए, उन्हें भला तुच्छ बुद्धि से हम और आप क्या समझ पाएंगे? उन्हें हम क्या समझ पाएंगे? तो भगवान जो सत्य के धनी है, जिनसे सत्य प्रकट होता है, जो स्वयं सत्यवान है, ऐसे सत्य स्वरूप परमात्मा का हम ध्यान करते हैं, उन्हें अपने हृदय में धारण करते हैं। सत्यम परम धीमहि, उन्हें अपने हृदय में बसाते हैं। जो भगवान धर्म के अवतार हैं, साक्षात रामो विग्रहवान धर्मः, धर्मः प्रोज्झित कई तवोत्र परमो निर्मत्सराणाम सताम। भागवत सुनने से क्या होता है? मत्सरता समाप्त होती है। मत्सरता क्या है? जलन, ईर्ष्या, यही मत्सरता है। हमारे अंदर मत्सरता ही तो भरी है। हम एक दूसरे की उत्कर्ष को नहीं देख पाते, एक दूसरे की तरक्की को नहीं देख पाते। बड़ी पीड़ा होने लग जाती है, परेशान होने लग जाता है मनुष्य। जब काहू के देखें विपत्ति, सुखी भय मानव जग नृपति। बड़े सुखी हो जाते हैं तब जब किसी पर संकट आता है। ये जो हमारा भाव है छल कपट ईर्ष्या का, ईर्ष्या द्वेष से। अच्छा एक बात बताओ, आपके अंदर किसी के प्रति ईर्ष्या द्वेष है या नहीं? आप सबसे सवाल है, क्यों? मैया, आपके अंदर ईर्ष्या द्वेष है, मत्सरता है? हाँ या ना? आपके अंदर है? आपके अंदर बोलो हाँ या ना? है? आपके अंदर ईर्ष्या द्वेष है? आप भैया, आपसे पूछ रहे हैं। हाँ है? ये मैया बताएंगी, सोफे पे बैठी है मैया। मैया बताओ मेरी माँ, आपके अंदर ईर्ष्या द्वेष है? ईर्ष्या द्वेष, हाँ या ना? ये मैया आगे वाली, मैया बताओ मेरी माँ। चलो अच्छा, ये पीली मैया बताएंगी, आपके अंदर ईर्ष्या द्वेष है? नहीं। मैया आपके अंदर नहीं? मैया आपके अंदर सही बता नहीं है? है, तुम कितना भी मना करो। हम सबके अंदर ही लगभग ये दोष पाया जाता है, ये दोष है, इससे वही बच सकता है जिसे भगवान बचाना चाहें। इसलिए जो भगवान के आश्रित हैं वो तो इससे बच जाएंगे, और जो भगवान के आश्रित नहीं है वो बच पाना संभव नहीं है। भगवान कहते हैं निर्मत शरणाम सताम। निर्मत मतलब मत्सरता त्याग दो। मत्सरता मतलब यही निंदा चुगली छल कपट। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र ना। छल कपट नहीं चाहिए ना भगवान को, यही है मत्सर। ये मत्सरता हट जाए तो आप बताओ, हम और आप थोड़ी बुरे होते हैं। हमारे अंदर लोभ आ जाता है तो वो हमें बुरा बना देता है, हमारे अंदर अभिमान आ जाता है वो हमें। इंसान बुरा नहीं होता, इसलिए हिंदू धर्म में कहा जाता है अधर्म का नाश हो, अधर्मी का नाश हो, ऐसा नहीं बोला जाता। हम व्यक्ति का नाश नहीं चाहते, व्यक्ति के अंदर की बुराई का नाश चाहते हैं, क्योंकि व्यक्ति तो बुरा है ही नहीं। व्यक्ति बुरा नहीं है, व्यक्ति के भीतर की बुराइयां बुरी हैं। यदि आपके अंदर की बुराइयां हट जाएं, तो आप थोड़ी बुरे हैं, क्यों जी? इसलिए कोशिश करो कि आपके अंदर कोई बुराई ना आने पावे। और ये कैसे संभव है? ये संभव तब है जब आप अपने सारे दरवाजे बंद कर लें। कैसे? जब तूफान उठता है तो आप अपने घर के दरवाजे खोल देते हैं या बंद कर देते हैं? बोलो। और जब तूफान शांत हो जाता है, हल्की हल्की ठंडी ठंडी हवा आने लगती है, तो आप अपने घर के खिड़की दरवाजे बंद कर देते हैं या खोल देते हैं? तो खिड़की दरवाजे बंद भी होते हैं और खोलते भी हैं। तो हमारी आंख खिड़की है, हमारे कान खिड़की दरवाजे हैं। ये दरवाजा है, खिड़की कहो दरवाजा कहो। आंखें वहां बंद कर लेनी चाहिए जहां तूफान उठ रहा हो, कान वहां बंद कर लेना चाहिए जहां तूफान उठ रहा हो, और आंख कान वहां खोल लेना चाहिए जहां शीतल मंद सुगंध हवा आ रही हो। अब ये कहां बंद करें कहां खोलें, ये विषय जरा समझो। आंखें वहां बंद कर लेनी चाहिए जहां अधर्म हो रहा हो, अधर्म को नहीं देखना चाहिए, या तो फिर उसे रोको। यदि ना रुके आपके रोके तो वहां रुको मत, देखो मत। यही तो है ना, बुरा मत देखो। बंद कर लो अपनी खिड़की दरवाजे, क्योंकि तूफान उठ रहा है। तूफान कौन सा? अधर्म का तूफान सामने है तो बंद कर लो तुरंत अपने कान। ना सुनो गलत शब्द, ना देखो गलत चित्र, ना बोलो गलत बात। और वहां आंखें खोल कर देखो जहां भगवान का दर्शन हो। बिहारी जी जाओ तो आंखें बंद मत करो, वहां आंखें खोलो, देखो जी भर के। लेकिन आप उल्टे हैं, पैदा ही उल्टे हुए हैं। किसी के घर में जरा सा दरवाजा में इतना सा सुराख होना तो आदमी आंख लगा के देखता है, ऐसे क्या हो रहा है अंदर। ऐसे सब देखना चाहता, उनकी पर्सनल जिंदगी में इंटरफेयर करना चाहता है, हाँ या ना? आपने देखा होगा किसी के घर का दरवाजा हल्का, कमरे का दरवाजा हल्का खुला रह जाए और बाहर से कोई निकले तो वो भले गिर जाए, दांत टूट जाए, पर वो सीधा नहीं देखेगा, देखेगा तुम्हारे खुले दरवाजे को, है ना। यहां तो घूर घूर के देखता है और मंदिर जाएगा तो आंखें बंद करके खड़ा हो जाएगा, मूसर है। अरे बिहारी जी के सामने आंखें काहे को बंद कर लिया, उन्हें तो जी भर के देखो और तब तक देखो जब तक बिहारी जी मंदिर से निकल करके मन मंदिर में आकर ना बैठ जाएं, तब तक देखते रहो, देखते रहो जी भर के। बिहारी जी के प्रत्येक अंग को, श्री रंगनाथ भगवान को जी भर के देखो, जरा सी देर के लिए तो वहां दर्शन मिलता है। तिरुपति बालाजी को, व्यंकटेश भगवान को जी भर के देख लो, क्योंकि वहां 5 सेकंड से भी कम समय के लिए हम वहां जाते हैं, अब बाहर हो जाते हैं। अब उन 5 सेकंड में आंखें बंद करेंगे क्या? आंखें बंद करनी थी तो घर पे बैठ के कर लेते, हाँ या ना। जहां दर्शन ही 2 सेकंड का हो वहां आंखें बंद करनी है या खोलनी है? जोर से। तो आजकल के लोग तो भगवान के सामने गए बस आंखें बंद, और पड़ोसन को देखना हो तो घूर घूर के देखेंगे। जबकि आंखें बंद तब करो जब सामने कोई पर स्त्री हो, पर पुरुष हो, तो आंखें बंद कर लो। आंखें वहां खोलो जहां गुरु हो, जहां गोविंद हो, जहां गोविंद है वहां आंख खोलो, जी भर के देखो। कन्हैया तुम्हें एक नजर देखना है, जिधर तुम छिपे हो उधर देखना है। कान वहां बंद कर लो जहां गलत बातें हो रही हो, जहां किसी की निंदा और चुगली हो रही हो, लेकिन आप तो वहां और कान लगा के सुनते हैं। क्या कह रही है सास, सुनो सुनो चुपके से, क्या कह रही है बहू, सुनो सुनो सुनो, खूब कान लगा के सुनते हैं। कहावत तो सुनी होगी, दीवारों के भी कान होते हैं। ये इसलिए कहा गया क्योंकि आदमी दीवार में कान लगा ही रहता है कि उस तरफ क्या बात चल रही है, आ जाए। तो आप सुनते तो हैं पर निंदा चुगली सुनने में आप बहुत मास्टर हैं। जरा कुछ बात कोई करने लग जाए तो आप दूर से भी कान बिल्कुल वहीं है, सुन रहे हैं पूरी बात। जो नहीं सुनना चाहिए वो आप सुन रहे हैं, इसीलिए आप लोग दुखी हैं। जो नहीं सुनना चाहिए वो सुनेंगे और जो सुनना चाहिए वो आप नहीं सुनते। क्या सुनना चाहिए? संतों की वाणी सुनना चाहिए, भागवत सुनना चाहिए, सत्संग सुनना चाहिए, माता पिता की सुनना चाहिए, बड़े बुजुर्गों की सुनना चाहिए, श्रेष्ठ जनों की सुनना चाहिए, लेकिन वो आप नहीं सुनते। बाकी चीजें खूब ध्यान से सुनते हैं। इसलिए आंखों को वो मत दिखाओ जो देखने योग्य नहीं है, वो दिखाओ जो देखने योग्य। कानों को वो मत सुनाओ जो सुनने योग्य नहीं है, वो सुनाओ जो सुनने योग्य। और वो मत बोलो जो बोलने योग्य नहीं है, वो बोलो जो बोलने योग्य है। समाज में, संसार में कुछ चीजें देखने योग्य नहीं है, तो कुछ चीजें सुनने योग्य नहीं है, तो कुछ चीजें, कुछ शब्द बोलने योग्य नहीं है। अब ये कैसे पता लगेगा कि क्या सुने, क्या देखें, क्या बोलें? इसके लिए सत्संग करना पड़ेगा तो प्रॉपर पता लगेगा कि क्या देखना है, क्या सुनना है और क्या बोलना है। श्रवणम, कथा श्रवण करो। कीर्तनम, भगवान का कीर्तन। मन से स्मरणम, भगवान का स्मरण करो। हाथों से पाद सेवनम, माता पिता के, गुरुजनों की चरण सेवा। अर्चनम, इन हाथों से ठाकुर जी के चरणों में तुलसी से अर्चन करो। अर्चनम, वंदनम, हाथ जोड़ के वंदना करो। प्रभु हम आपके दास हैं, हे प्रभु हम जैसे हैं आपके हैं, स्वीकार कीजिए। वंदनम। दास्यम, हे प्रभु हम आपकी दासी हैं, हम आपके दास है, ये भाव। सख्य, सख्य मीन्स हम आपके सेवक हैं, सखा तुल्य सेवक, दास। आत्मनिवेदनम, समर्पण, हे प्रभु हम आपके। भगवान ने 24 अवतार धारण किए हैं। नारायण नारद हरि कपिल देव श्री राम हंस हयग्रीव मोहिनी दत्तात्रेय सुखधाम नरसिंह वामन व्यास जी ऋषभ देव कौमार यज्ञ पुरुष धनवंतरी बुद्ध कल की अवतार पृथु राजा वारह पुनि कृष्ण चंद्र भगवान परशुराम मत्स्य कमठ पद्म पुराण प्रमाण। 24 अवतार में प्रत्येक अवतार भगवान का किसी न किसी उद्देश्य किसी न किसी हेतु से हुआ है। भगवान इस संसार में अवतार, कल मेरे से एक प्रश्नोत्तरी में एक बालक पूछ रहा था कि भगवान का अवतार थोड़ी होता है, तो मैंने कहा कि राम और कृष्ण कौन हैं? वो बोला कि ये भगवान नहीं, ये तो महापुरुष हैं। ये कल की प्रश्नोत्तरी में एक बालक ने सवाल किया। कितनी बार मैंने इन सवालों का उत्तर दिया है, कितनी बार शास्त्रों ने इनके बारे में, फिर भी ये अज्ञान है कि मिटता नहीं, जस का तस खड़ा है अज्ञान। कितना भी ज्ञान की चर्चा कर लेने के बाद भी अज्ञान नहीं मिट रहा। भगवान का अवतार क्यों होता है? क्या राम भगवान है? क्या कृष्ण भगवान है? यदि ये भगवान है तो फिर लोगों को संदेह क्यों है? सवाल आपसे, भगवान अवतार लेते हैं या नहीं? उत्तर जोर से, लेते हैं। तो फिर बताओ कि यदि भगवान अवतार लेते हैं तो क्यों लेते हैं? भाई लेते हैं माना तो कारण होगा ना, बिना कारण के कार्य तो हो नहीं सकता। क्यों लेते हैं? क्या रीजन है, उद्देश्य क्या है? आप बताओ, भगवान अवतार लेते हैं या नहीं, तो क्यों लेते हैं? उत्तर दो। असत्य पर सत्य की विजय कराने के लिए। आप बताओ बेटा, भगवान अवतार क्यों लेते हैं? ये भक्तों के उद्धार के लिए। आप बताओ बेटा। हां, इस प्रश्न का कोई भी आपसे ये सवाल करे कि भगवान अवतार क्यों लेते हैं, या कोई आपसे सवाल करे कि भगवान तो अवतार लेते ही नहीं है, तो उनसे पूछना कि फिर राम कौन है और कृष्ण कौन है? ये भगवान ही तो हैं। वो बोलेगा कि ये तो महापुरुष हैं। वो बोला मेरे से कल बच्चा कि ये तो राम कृष्ण जी जो हैं ये तो भगवान नहीं महापुरुष हैं। तो मैंने उससे बालक से कहा कि क्या किसी महापुरुष ने आज तक, यदि कृष्ण महापुरुष हैं तो फिर महापुरुष हैं तो महापुरुष तो बहुत हुए हैं धरती पर, फिर आज तक किसी महापुरुष ने एक उंगली से गिरिराज जी तो नहीं उठाया? किसी महापुरुष ने बिना खंबे का सेतु तो नहीं बनाया? तो कृष्ण को महापुरुष ही नहीं, वो भगवान है। और वैसे गलती उन बालकों की नहीं है जो भगवान पर क्वेश्चन खड़ा करते हैं, क्योंकि भगवान की भगवत्ता को तो ब्रह्मा, इंद्र और माता सती ना समझ पाई, तो भला तुम्हारी और हमारी बुद्धि कितना समझेगी। ये दोष उनका नहीं है जो ये सवाल खड़े करते हैं। मोहयंति यत् सूर्या, बड़े बड़े यत् सूरी ज्ञानी ध्यानी विद्वान मोहित हो गए। तो भला हम और आप कितने समझदार हैं। तो भगवान अवतार क्यों लेते हैं, इस प्रश्न के उत्तर में आप सबको एक श्लोक याद कर लेना चाहिए। मेरे संग बोलो, भगवान अवतार क्यों लेते हैं, तो आपको एक श्लोक बोल देना है, उत्तर आ जाएगा। याद कर लो इस श्लोक को। परित्राणाय साधूनाम, परित्राणाय, अरे भैया परित्राणाय बोलो ना, साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय। इस संसार में हम जैसे पापियों के रक्षण के लिए और धर्म की स्थापना के लिए, साधु संत ब्राह्मण गौ की रक्षा के लिए भगवान इस धर्म संसार में युगे युगे कभी कभी किसी किसी युग में अवतरित होते हैं। हर युग में भगवान नहीं आते, याद रखिएगा, हर युग में भगवान नहीं आते। किसी किसी युग में, जैसे ये कौन सा युग चल रहा है, कलयुग। इस कलयुग में भगवान आएंगे, पर इसके पहले जो कलयुग निकल चुका, क्योंकि कलयुग कई बार निकल चुके, जैसे संडे मंडे ये कई बार निकल चुके। हर एक माह में 4 संडे होते हैं लगभग, कभी कभी 5 मान लो आप, क्यों जी। तो हर महीने में 4 बार संडे आता है, क्यों जी, या 5 बार किसी महीने में। तो जैसे हर महीने में 4-5 बार संडे आता है, 4-5 बार मंडे आता है, उसी तरह हर बार सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग, फिर चक्कर वही, सतयुग त्रेता द्वापर कल, फिर चक्कर वही, सतयुग त्रेता, संडे मंडे ट्यूसडे वही है, इतवार सोमवार मंगलवार बुधवार वही है, फिर लौट के इतवार आएगा, फिर लौट के संडे आएगा, फिर आना कहां, वही आना। जैसे जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल चैत्र वैशाख, अब जो चैत्र आ गया, चैत्र वैशाख जेठ आषाढ़, फिर इसके बाद फिर पूरा घूम के फिर चैत्र वैशाख जेठ आषाढ़ सावन भादो कुंवर कार्तिक अगन पूष माह फागुन, फिर चैत्र वैशाख जेठ आषाढ़, वही चक्कर वही है ना, हाँ या ना। उसी तरह सतयुग त्रेता द्वापर, बोलो सतयुग त्रेता द्वापर। तो भगवान, ये जो कलयुग है, ये कौन सा कल्प चल रहा है, याद होना चाहिए सब आपको, हमने कई बार याद दिलाया है। ये कौन सा कल्प है, ये श्वेत बाराह कल्प है। ये एक कल्प मतलब ब्रह्मा जी के 1000 चतुर्युग को एक कल्प कहते हैं। ब्रह्मा जी की आयु टोटल 100 साल की है। ब्रह्मा जी की आयु टोटल, भैया ब्रह्मा जी की आयु टोटल 100 साल की है, पर उनका 100 साल हमारे 100 साल जैसा नहीं है। उनका 100 साल कैसा है वो सुनो। ब्रह्मा जी का एक दिन कितना, जैसे हमारा एक दिन होता है 24 घंटे का, जिसमें रात और दिन दोनों मिली हुई है, हाँ या ना। 12 घंटे का दिन और 12 घंटे की, टोटल हमारा 24 घंटे का टाइम पीरियड होता है, हाँ या ना। उसी तरह ब्रह्मा जी का एक दिन, ब्रह्मा के एक दिन को एक कल्प कहते हैं। और ब्रह्मा जी के एक दिन में 1000 बार चतुर्युग बीत जाता है। सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग सतयुग त्रेता, 1000 बार ब्रह्मा जी के एक दिन में 1000 बार चतुर्युग बीत जाते हैं। तो ये ब्रह्मा जी अभी लगभग 52 साल के हो चुके हैं। उसमें से ब्रह्मा जी का ये श्वेत बाराह कल्प चल रहा है। 51-52 वर्ष के ब्रह्मा जी हो गए हैं लगभग। ये श्वेत बाराह कल्प चल रहा है और उस कल्प का वैवस्वत मनवंतर चल रहा है। एक मनवंतर 73 चतुर्युग का होता है, 14 मनवंतर होते हैं। ब्रह्मा के एक दिन में एक कल्प में 14 मनवंतर होते हैं और 73 चतुर्युग का एक मनवंतर होता है। समझ में आ रही है बात। तो ये कौन सा मनवंतर चल रहा है, वैवस्वत मनवंतर चल रहा है। इस वैवस्वत मनवंतर में भी 73 बार चतुर्युग घूमना है, जिसमें अभी ये वैवस्वत मनवंतर का 28वां कलयुग चल रहा है। ये देखिए, हम भारतीयों की गणित, ये ऑन रिकॉर्ड है, पंचांग में सब लिखा होता है। जिस दिन से सृष्टि का निर्माण हुआ, लाखों करोड़ों साल पुराना इतिहास किसी के पास मौजूद है सृष्टि का, तो सनातनियों के पास है। तुम तो साइंस केवल मोहनजोदड़ो हड़प्पा संस्कृति को ही जानती है, जो कि ये साक्ष्य 2000 साल पुराने, अधिक से अधिक 1800 साल, अधिक से अधिक 2000 साल पुराना। पर हमारा इतिहास देखिए, ब्रह्मा जी की आयु भी लिखित में है कितने साल के ब्रह्मा हो गए, और ब्रह्मा 100 साल के होने के बाद ब्रह्मा बदल जाएंगे, क्योंकि ब्रह्मा किसी का नाम नहीं है, ब्रह्मा एक पदवी है। जैसे प्रधानमंत्री नाम नहीं होता किसी का, पदवी है, जो बैठेगा वो प्रधानमंत्री कहलाएगा। 100 साल के बाद हनुमान जी ब्रह्मा जी बनेंगे, और ब्रह्मा जी के एक दिन में 14 इंद्र बदल जाते हैं। कल्प कल्प की बातें हैं। इसलिए आप लोग कई बार कंफ्यूज होते हैं कि शिव महापुराण में लिखा है कि शिव जी से सृष्टि हुई, देवी भागवत में लिखा है कि देवी माँ से सृष्टि हुई, भागवत जी में लिखा है कि भगवान श्रीमन नारायण से सृष्टि हुई। अब आप कंफ्यूज हो गए, विष्णु पुराण में लिखा है विष्णु जी से सृष्टि हुई, फलाने पुराण में लिखा है कि उनसे सृष्टि हुई। अब आप कंफ्यूज हो गए कि भाई क्या सही है। ये सारी बातें कल्प कल्प के भेद से सही है। कल्प कल्प का भेद क्या है इसे समझो। जब आपसे कोई कहे कि कल्प कल्पांतरों का भेद है, तो ये बात, ये इसका अर्थ निकलता है कि जैसे आपके घर में 4 महिलाएं हैं या 4 पुरुष हैं, तो क्या होता है, काम तो एक ही है, रोज सवेरे जागना, नहाना धोना, बर्तन ठीक करना और भोजन बनाना, झाड़ू पोंछा, रोज वही काम है ना। रोज खाना बनाओ, रोज बर्तन धुलो, रोज चौका बर्तन करो, रोज सो जाओ, रोज का काम सेम होता है, काम वही है। तो होता क्या है, आज का काम जिठानी ने कर लिया, भोजन बनाने का, बर्तन धुलने का, तो फिर कल देवरानी कर लेगी, तो फिर परसों उससे छोटी वाली बहू कर लेगी। मतलब काम एक है, पर कभी उसी काम को आपने कर लिया तो कभी उसी काम को मैंने कर लिया। उसी तरह सृष्टि उत्पन्न करना, पालन करना, संहार करना, काम तो वही है, पर उसी काम को कभी ब्रह्मा जी ने कर लिया, तो कभी शंकर जी ने कर लिया, तो कभी भगवान विष्णु जी ने कर लिया, कभी देवी माँ ने कर लिया। तो जिसने कर लिया उनका वर्णन आ गया कि इस बार इस कल्प में सृष्टि इन्होंने की, इस कल्प में सृष्टि इन्होंने की। इन सबके मूल में है भगवान नारायण। तो इस बात को ना समझने से लोगों के अंदर भ्रांतियां होती हैं कि ऐसा ऐसा क्यों लिखा है, जबकि लिखने वाले एक व्यास जी हैं सब कुछ, तो फिर उन्होंने क्यों अलग अलग लिखा। वो कल्प कल्प की बातें लिख रहे हैं ना। अब जैसे रामचरितमानस में रावण कितने हैं, कितने रावणों के बारे में आप लोगों ने सुना है? हाँ, कितने? 10। कौन कौन? रावण के 10 मुख हैं। ये देखो, कल्प कल्प की बातें मैं आपको सुनाऊंगा। कितने रावणों के बारे में आप लोग जानते हैं? जिसको एक रावण के बारे में जानकारी है वो बताएं कि हम केवल एक के बारे में जानते हैं। जिसे 2 के बारे में जानकारी है वो 2 बताएं, जो 3 वाले, जो 4 वाले। जिसे एक रावण के बारे में जानकारी है वो हाथ उठाएं। कितने लोग केवल एक रावण को जानते हैं? रामचरितमानस में ही कई रावणों की चर्चा है। देखिए, पहला रावण कौन बना? जय और विजय। जय और विजय जो भगवान के द्वारपाल थे, उन्हें श्राप देकर के रावण कुंभकर्ण बनाया गया सनकादियों के द्वारा। सुना होगा ये कि नहीं सुना? दूसरा, जब नारद जी को मोह हुआ विश्व मोहिनी से, तो वहां शिव जी के 2 गण थे, जिन्होंने बाद में नारद जी को बताया कि आप बंदर जैसे दिख रहे हैं। तो नारद जी ने उन्हें श्राप देकर शिव गणों को, एक बार भगवान नारायण के पार्षदों को जय और विजय को श्राप मिला, तो वो रावण बने एक कल्प में। ये बात कल्प कल्प की। दूसरे कल्प में भगवान शंकर के 2 गण, उन्हें श्राप देकर नारद जी ने रावण कुंभकर्ण बनाया। तीसरी बार तुलसी के पति वृंदा, तुलसी जो वृंदा है, वृंदा के पति जालंधर, जिनके नाम से पंजाब का एक शहर पड़ा जालंधर, जहां का जालंधर है वहीं उसकी राजधानी रही। तो जालंधर भी एक बार रावण बना और चौथा रावण प्रताप भानु नाम का एक राजा था, वो प्रताप भानु नाम का एक रावण बना। तो रावण वही है, लंका वही है, बस पात्र बदल गए। रावण भी नाम नहीं है किसी का, रावण भी एक पदवी है जो उस लंका सिंहासन पर जाकर बैठ जाएगा, जो उस प्रकार के भगवान की लीला में वो सहयोग करेगा वो रावण कहलाएगा, चाहे वो प्रताप भानु हो, जालंधर हो या जय विजय हो। तो भगवान ने रामलीला तो सेम है, पर रामलीला में सीता का अभिनय करने वाली बदल गई। तो आपके गांव में जो रामलीला होती है, पिछले साल रामलीला हुई थी तो राम अलग बने थे, इस साल रामलीला हुई तो राम अलग बने। भाई रामायण तो सेम थी, लीला तो सेम थी, पर पात्र बदल गए थे। बोलो हाँ। उसी तरह अनेक कल्प में, क्योंकि लिखा क्या, संभवामी युगे युगे, तो हर युग में राम थोड़ी आते हैं। किसी त्रेता में, जैसे वैवस्वत मनवंतर के इस त्रेता में, जो त्रेता बीता है अभी इस त्रेता में, अब आप प्रश्न करो कि जय और विजय रावण बने, कुंभकर्ण बने, शिवगण रावण कुंभकर्ण बने, जालंधर रावण बना और चौथे प्रताप भानु रावण बना। इन चार रावण में कौन से रावण की कथा हम लोग रामचरितमानस में पढ़ते हैं? वो कौन सा रावण था जिस रावण के बारे में हम लोग जानते हैं? वो कौन सा रावण है जिस रावण के पुतले आज तक जलाए जाते हैं? इन चार रावणों में आपको चयन करना है। आप किस रावण के बारे में पढ़ते हैं? हाँ, रामचरितमानस में जो रावण का जिक्र है वो इन चार रावणों में कौन सा रावण है? क्योंकि फर्स्ट बालकांड में ही ये चार रावणों की चर्चा तुलसीदास जी ने लिख दी और लंका कांड तक जाते जाते अब ये कंफर्म करना कि लंका कांड में जो रावण है ये कौन सा रावण है इन चार में से। पता है आप लोगों को? नहीं। ये सारी बातें मर्म की हैं, गहराई। जब तक ये गुरु परंपरा से ना पढ़ो, शास्त्रों को पुस्तक खरीद के लाने से, पढ़ने से कोई ज्ञानी नहीं होता, जब तक उस ग्रंथ को गुरु जनों के चरणों में बैठ के समझा ना जाए, पढ़ा ना जाए। इसलिए हमारे यहाँ गुरु परंपरा है। कौन सी परंपरा? भगवान राम भी पढ़ने गुरुकुल गए, ये गुरु परंपरा। बिना गुरु के ज्ञान नहीं होता, इसलिए लोग कहते हैं ना गुरु मंत्र क्यों लेना चाहिए। बिना गुरु मंत्र के यथार्थ ज्ञान हो ही नहीं सकता। आप बाजार की पुस्तकें कितनी भी पढ़ लो, कोई भी मंत्र जप लो, लेकिन बिना गुरु के वो ज्ञान नहीं हो सकता जो ज्ञान कल्याणकारी है। खुरापाती ज्ञान तो हो जाएगा, यथार्थ ज्ञान, जिस ज्ञान से कल्याण होना है वो ज्ञान। तो जो चार रावण हैं, इन चार रावणों में प्रताप भानु नाम का जो रावण बना वही रावण रामचरितमानस का किरदार निभाने वाला रावण है। और ये चारों रावण के अलग अलग कल्पों की कथा है। किसी कल्प में वो रावण बना, तो किसी कल्प में ये रावण बना, तो किसी कल्प में वो रावण बना। उसी प्रकार जैसे भगवान कृष्ण के ग्वाला, सखा, मनसुखा, श्रीदामा, मधुमंगल, ये कौन है? कृष्ण के अवतार भी हर किसी किसी युगे युगे, मतलब किसी किसी युग में होता। तो किसी युग में जब भगवान कृष्ण बनकर आए तो उनके सखा ग्वालवाल आप बन के आ गए। तो हम में और आप में कभी काबिलियत भगवान ने देखी भक्ति, तो कभी भगवान ने अपनी लीला में आपको और हमें अपना ग्वाला बना लिया, कभी आपको अपनी गोपी बना लिया, कभी भगवान हमें भी अपनी लीला में सम्मिलित कर लेते हैं। पता है आपको? अच्छा ये बताओ, जब राम राजा थे उस समय आप में से कितने लोग थे वहां पर? राम जब अयोध्या के राजा बने या राम का जब वनवास हुआ, उस समय आप में से कितने लोग अयोध्या में थे? आप में से कोई था वहां? बोलो हाँ या ना। जोर से, जोर से, जोर से। हाँ, जरूर आप और हम किसी ना किसी रूप में, भले हम अयोध्या की लता पता के रूप में रहे हो, हम भले राम की प्रजा के रूप में कहीं ना कहीं रहे हो, पर रहे जरूर होंगे। उस समय भी अयोध्या से 100 किलोमीटर दूर रहे हो या 1000 किलोमीटर दूर रहे हो, पर रहे उस कार्यकाल में भी हम लोग रहे होंगे, रहे होंगे। अब किस रूप में हम वहां थे वो हमें नहीं पता, पर थे जरूर। हो सकता है राम के जो बंदर भालू रहे, वही अपन में से कोई बंदर भालू बन के राम जी के सपोर्ट में रहा हो। क्यों जी? बंदर भालू रहे होंगे। कैसे कहा जाए कि हम नहीं थे? अरे नहीं थे ये कहने से क्या फायदा होगा? ये कहो ना कि हम ग्वाल वाल के रूप में थे कृष्ण की लीला में, और बंदर भालू के रूप में हम त्रेता में भी थे। हाँ या ना? थे। तो भगवान इस संसार में अवतार क्यों लेते हैं? धर्म की स्थापना के लिए। कभी कभी आते हैं, किसी किसी युग में, किसी किसी कल्प में। 24 अवतार लिए भगवान ने। एक दिन व्यास जी महाराज 17 पुराण लिखने के बाद उदास बैठे। नारद जी ने कहा क्या हुआ? कहा हमने 17 पुराण लिखे हैं पर कहीं शांति नहीं मिल रही है। तब नारद जी ने कहा नैष्कर्म्यमप्यच्युत भाव वर्जितम न शोभते ज्ञानमलं निरंजनम कुतः पुनः शाश्वत भद्रमीश्वरे न चार्पितम कर्म यदप्यकारणम्। भगवान श्री नारद जी महाराज कह रहे हैं कि वह ज्ञान मोक्ष की प्राप्ति का साधन है जिस ज्ञान में भक्ति मिली हो। यदि भक्ति रहित ज्ञान है आपका और हमारा, तो उस ज्ञान की कोई कीमत। आपने अभी तक पुराण लिख करके, वेदों का विस्तार करके ज्ञान को तो प्रमोट किया है, ज्ञान को तो बढ़ाया, पर भक्ति की विस्तार से चर्चा नहीं की। इसलिए व्यास जी आपको शांति नहीं मिली। तब नारद जी से व्यास जी ने पूछा किस तरह हम भक्ति की बात कहें? तब नारद जी ने कहा 4 श्लोकों की भागवत सुनाई। अहमेवासमेवाग्रे नान्यद् यद् सत्परं पश्चादहं यदेतच्च योऽवशिष्येत् सोऽस्म्यहम्। ऋतेर्थं यत्प्रतीयेत नाप्रतीयेत चात्मनि तद्विद्यादात्मनो मायाम् यथा भासो यथा तमः। 4 श्लोकों की भागवत जब नारद जी ने सुनाई व्यास जी को, उन 4 श्लोकों से 18,000 श्लोक तैयार किए वेद व्यास जी ने। और शुरुआत कहां से की? महाभारत के युद्ध से। महाभारत एक बहुत विशाल युद्ध है। उस युद्ध में, अच्छा, महाभारत के युद्ध का जो निरूपण है वो क्यों किया गया? ताकि समाज में युद्ध ना हो। जो महाभारत की कथा सुनता है, पढ़ता है, सीखता है, उसे कभी युद्ध से नहीं गुजरना पड़ता, युद्ध की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। भगवान श्री कृष्ण बहुत बड़े राजनीतिज्ञ हैं, कूटनीतिज्ञ हैं, बहुत बड़े ज्ञानी हैं। सब कुछ भगवान ने सिखाया है, साम दाम दंड भेद, कहां किस नीति का प्रयोग करना चाहिए ये हमें जान लेना चाहिए। हम भारतीय लोग हैं, हम अनपढ़ नहीं रहे, हम लोगों के पास नीतियों का ज्ञान रहा। हमारे यहाँ कितनी नीतियां हैं, विदुर नीति, चाणक्य नीति, कितनी नीतियां भरी पड़ी हैं। कहीं ना कहीं से आप ज्ञान ले लो, सीख लो। जिसकी नीति और नियत अच्छी होती है उसकी सदा जय जयकार होती है। इसलिए आप अपनी नीति बेहतर करो। नीति क्या होती है? लोग नहीं बोलते तुम्हारी नीति खराब है, नियत खराब है। नीति कैसी होनी चाहिए? कैसी नीति? अच्छे को अच्छा कहो और बुरे को बुरा कहो, लेकिन सदा धर्म को आगे रखो। किसको आगे रखो? किसको? धर्म को। कोई भी काम करेंगे धर्म के अनुसार करेंगे। महाभारत में जितना भी कार्य हुआ है धर्म के अनुसार हुआ है। अच्छा ये बताओ, महाभारत में अभिमन्यु मारे गए, धर्म से मरे कि अधर्म से मरे? जोर से। अभिमन्यु को किस किसने मारा था? कौरवों ने। उस समय वहां पर शकुनी भी थे, दुर्योधन भी था, दुशासन भी और कर्ण भी थे, गुरु द्रोणाचार्य भी थे, अश्वत्थामा भी थे। एक से बढ़कर एक योद्धा वहां थे और सबने मिलकर के किसको मार दिया? अभिमन्यु को। अब बताइए, जबकि नियम क्या था कि एक योद्धा से एक योद्धा ही युद्ध करेगा। नियम तो यह है कि भाई एक से एक ही लड़ेगा, लेकिन वहां एक से सात लोग लड़े। अब ये धर्म था? उत्तर दो, धर्म था? अच्छा ये बताओ, धर्म तोड़ने की शुरुआत किसने की? कौरवों ने की। और जब इन्होंने धर्म को तोड़ा, धर्म की बात नहीं मानी, अधर्म किया, तो भगवान ने फिर इन सबको अधर्म से ही मारा। क्योंकि तुम अधर्मी हो तो मरो अधर्म से। जैसे को यही धर्म, यही राजनीति है, यही नीति है कृष्ण की। यह महाभारत सिखाता है कि यदि तुम अधर्म के राह पर हो तो तुम्हारे लिए फिर हम धर्म का मुंह ना देखेंगे। धर्म का मुंह उसके लिए देखेंगे जो धर्ममय हो, धर्म के राह पर चले। तुमने कब कब धर्म देखा? अधर्मी को अधर्म से मार देना धर्म है। जैसे गुरु द्रोणाचार्य के सामने एक झूठ फैलाया गया कि अश्वत्थामा मारा गया, जबकि मारा नहीं गया था। अब आप सवाल कर सकते हो कि पांडवों ने अधर्म का साथ क्यों लिया? हाँ, क्योंकि ये कौन से धर्मात्मा थे? इन्होंने ही तो चक्रव्यूह बनाया था और उस बच्चे को मार दिया जो अभी 18-19 साल का था। सात लोग मारे उसे। एक से लड़ते ना तो जानते कि तुम मर्द हो। सात मारे उसे और मर गया जब अभिमन्यु, तो मरे हुए उसके सिर पर दुर्योधन के जीजा ने लात मारी। जयद्रथ मरे हुए अभिमन्यु के सिर पर लात मारा। मुर्दे का अपमान नहीं किया जाता, पता है आपको? सम्मान अपमान की बात तब तक जब तक प्राण है। मर गया तो फिर कोई सम्मान का है, मर ही गया। लेकिन मुर्दे के साथ भी इन्होंने अत्याचार किया था। ये कौन सा धर्म था? हाँ, इसलिए भगवान ने कहा तुम जैसे मानोगे बेटा वैसे मनाएंगे। रुको, झूठ फैलाया कि अश्वत्थामा मारा गया। गुरु द्रोणाचार्य भी पक्के आदमी, नहीं मैं नहीं मानूंगा, युधिष्ठिर बोलेगा तब मानूंगा। भगवान बोले बोल दो। युधिष्ठिर जी बोले झूठ कैसे बोलूं, मैं कह रहा हूं ना, बोल दो। झूठे आदमी के सामने झूठ बोलना ही धर्म है। तेरे सामने क्या सच्चा बोले? तुम कौन से सच्चे हो? तुमने कौन से सच्चाई और अच्छाई के काम किए हैं? तो उन्होंने पीछे बोल दिया, अश्वत्थामा मारा गया, अश्वत्थामा हता नरोवा कुंजरोवा। हाथी मारा गया कि इंसान, वह आप कंफर्म करो। हाथी भी मार दिया अश्वत्थामा नाम का। पिता वो गुरु द्रोणाचार्य ने छोड़ दिया धनुष बाण, दृष्टद्युम्न ने आकर के गुरु द्रोणाचार्य का सिर काट दिया। गुरु द्रोणाचार्य का सिर क्यों कटा है? जैसे को बताओ, गुरु द्रोणाचार्य का सिर क्यों कटा? क्योंकि इन्होंने अपने चेले का अंगूठा कटवाया था। चेले का क्या कटवाया था? एकलव्य का। क्योंकि एकलव्य ज्यादा योग्य हो गया, तो गुरु द्रोणाचार्य को लगा कि अच्छा, गुरु द्रोणाचार्य वहां अपनी जगह सही थे। उन्हें लगा कि ये एकलव्य कहीं में इस विद्या का दुरुपयोग ना करे, तो उन्होंने छल से कहा कि तुझे मैं गुरु दक्षिणा तू मुझे दे, तो क्या अंगूठा। तो जब इन्होंने एक निर्दोष आदमी का जो आपके प्रति बहुत समर्पित था, बेचारे ने दे भी दिया, तो जब आपने किसी एक भले आदमी के साथ बुरा किया तो भरीश्वर की डायरी में तो नाम आ गया आपका कि भाई आपने गलत किया। जब गलत किया है तो चाहे तुम गुरु द्रोणाचार्य हो, चाहे तुम भीष्म पितामह हो, पर कर्म दंड तो भोगने पड़ेंगे ना साहब। तुमने अंगूठा कटवाया, तुम्हारी गर्दन कटेगी, कटी गर्दन। ये उनके कर्मों का दंड था, ये उनके कर्मों का। इसलिए कहता हूं मेरी माँ, लाख आंख से देख रहा है तुझे देखने वाला। तुम कितने भी पावरफुल हो, पर ईश्वर सब देख रहे हैं, और जब देंगे हिसाब तो कोई क्यों ना हो, भगवान के बाप को भी भोगना पड़ता है कर्मदंड। दशरथ जी को भी पुत्र वियोग में तड़प तड़प के मरना पड़ा, क्योंकि श्राप था। भगवान के बाप को भी क्षमा नहीं है। ये मृत्यु लोक है। जो जस करहिं सो तस फल चाखा, कोऊ ना काहू को सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। यहां कर्म दंड मिलेगा, आप कोई क्यों ना हो। इसलिए बच के रहना रे बाबा। जितना आप कर रहे हो मेरी माँ, अच्छा या बुरा, सब ईश्वर की डायरी नोट कर रही है। पितामह गुरु द्रोणाचार्य का सिर कटा। किसने काटा? दृष्टद्युम्न ने काटा। अश्वत्थामा के पिता गुरु द्रोणाचार्य मारे गए। अधर्म किया था ना। अब देखिएगा कृष्ण की नीति। जब भीम और दुर्योधन का युद्ध हुआ अंतिम, तो कौन जीता था? भीम और दुर्योधन का जब गदा युद्ध हुआ तो कौन जीता? जोर से कौन? भीम। अच्छा, भीम ने गदा कहां मारी? दुर्योधन के, जोर से कहां? जंघा पर, जांघों में। ये भैया को जगाओ, नींद आ रही है सरकार को। सुनो मैया, नींद आए तो बताना, लोरी सुनाएंगे मस्त। सुनो, दुर्योधन के जंघा कहां, गदा कहां मारी? जंघा पर। जबकि गदा युद्ध का नियम होता है कि गदा को जांघों पर नहीं मारा जाता। इसका मतलब भीम भैया ने क्या किया? धर्म किया कि अधर्म किया? दुर्योधन के साथ भीम भैया ने गदा वहां मारा जहां नहीं मारना चाहिए था। तो ये भीम भैया ने दुर्योधन के साथ धर्म किया कि अधर्म किया? जोर से अधर्म किया। तो ये अधर्म करना सही था या गलत था? जोर से। अधर्म कैसे सही हो सकता है? अधर्म कैसे सही हो सकता है? अधर्म ऐसे ही सही हो सकता है जैसे कांटे को कांटा निकालता है, ऐसे अधर्मी को अधर्म से मारना ही धर्म है। क्योंकि ये प्रश्न किया भगवान श्री कृष्ण के भैया श्री बलराम जी ने। बलराम जी आए उस युद्ध में, तीर्थ यात्रा से लौटे, तो कहा क्यों भीम तूने दुर्योधन को अधर्म से क्यों मारा? जांग तोड़ दी उसकी। जांग तोड़ना सही नहीं है। जांग तोड़ना सही नहीं है। तुमने क्यों उसकी जांग तोड़ी भीम? मैं तुम्हें मारूंगा। बलराम भैया गुस्से में। तब भगवान श्री कृष्ण ने बोला, वाह भैया वाह, आप आ गए तीर्थ यात्रा से, आ गए दुर्योधन को बचाने। जब द्रौपदी की लाज ये लूट रहा था तब आप कहां थे? क्या द्रौपदी के कपड़े उतारना भरी सभा में वो धर्म था? क्या इसके द्वारा ये कहना द्रौपदी आजा मेरी जंघाओं पे आके बैठ जा, क्या ये धर्म था? जिसने दूसरे की औरत को अपनी जंघा में बिठाने का प्रयास किया उसकी जंघा तोड़ देनी चाहिए दाऊ भैया, यही धर्म है। कहां थे आप जब ये द्रौपदी के कपड़े उतार रहा था? इसने कौन सा धर्म किया है? जब इसने कोई धर्म नहीं किया तो फिर इसके लिए धर्म का मुंह ना देखा जाएगा। ऐसे अधर्मियों को तो अधर्म से मार देना ही। हाँ, अनुज बधू भगनी सुतनारी सुन सटकन्या सम एचारी, इन्हीं को दृष्टि बिलोकें जोई, ताहि बधे कछु पाप ना होई। ये रामचरितमानस में राम जी का भी धर्म कुछ ऐसा ही है। बाली को राम जी ने मारा तो बाली बोला हमें क्यों मारा, छिपके क्यों मारा? भगवान बोले ठीक मारा, छिपके मारा। अरे तुम जैसे अधर्मी को तो बस मारना चाहिए, चाहे सामने मारो पीछे से मारो, मारो। क्योंकि तुमने अपने भाई की पत्नी के साथ अधर्म किया है। अब जो अपने सगे भाई की पत्नी को हड़प ले, उसके साथ दुराचार करे, ऐसे आदमी को आगे से मारो या पीछे से मारो, बस मारो। इन्हें तो बस मारो, ऊपर से मारो नीचे से मारो, सब तरफ से मारो, बस मारो, यही धर्म है। जैसे को अधर्मी को अधर्म से मारना ही धर्म है। इसलिए हमारे भगवान मारना भी सिखाते हैं, माला ही ना जपते रहना, जहां जरूरत आए तो अपने वतन के लिए मारना भी पड़ता है आतंकवादियों को, दुष्टों को, तो मारो भी। मेरी माँ, मेरी बहनें, तुम जूजू से जूजू ना बनी रहना। चूहिया से डरती हैं हमारी बहनें, चूहिया से, कॉकरोच से डर जाती हैं। ना तो तुम्हारे हाथ में माला है, ना तो तुम्हारे हाथ में भाला है, कैसी ये बाला है। या तो मीरा की तरह माला लो या झांसी की रानी की तरह भाला लो, ऐसी बाला ना बनी रहो कि जूजू से डरो। इतिहास या तो मीरा को याद करेगा या तो झांसी की रानी को, बीच वाले किसी काम के नहीं। मेरी बहनों से भी मैं प्रार्थना करता हूं, आप भी स्वयं की रक्षा करना सीखो। तलवार अलवार चलाया करो। तलवार हमारे भारत की विशेष विद्या रही है। हमारे झांसी की रानी ने तो तलवार चलाई तब ना वो लड़ी, तुम्हारी तरह चुहिया से डरती तो हो गया। अच्छा युद्ध खूब लड़ी मर्दानी वो तो, सिंहासन हिल उठे राजवंशों ने, भ्रकुटी तानी थी, बूढ़े भारत में भी आई फिर से नई जवानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वो तो, बनाओ अपनी बेटियों को मर्दानी। कब तक उसे घर में बिठाकर चूहिया और कॉकरोच से डराती रहोगी। बेटी झांसी की रानी। आज माँ बाप ने बेटियों को आजाद किया तो है, लेकिन वो अपनी आजादी का मिसयूज कर रही है, फटे कपड़े पहन के घूम रही है। बनना चाहिए था झांसी की रानी, तो बन गई वो फटीचर। क्यों फटीचर बनी घूम रही है। अरे झांसी की रानी बनो मेरी बहनों। तुम्हारे माँ बाप ने आज तुम्हें कुछ आजादी दी है, उसका उपयोग करो। उस आजादी का की कीमत चुकाओ अपने माँ बाप को योग्य बन करके, माँ बाप के काम आकर के, समाज के काम आकर के, समाज की सेवा करके उस ऋण को चुकाओ, अपने माँ बाप के ऋण को उतारो। झांसी की रानी कि हम सब ऋणी हैं। पूरा भारत तब तक ऋणी रहेगा जब तक ये धरती रहेगी, जब तक हम सब झांसी की रानी की ऋणी। मर गई बेचारी। और केवल झांसी की रानी नहीं, उस दौर की बहुत सारी स्त्रियों ने युद्ध लड़ा और विजय पाई है। युद्ध में हार जीत तो होती ही है। युद्ध लड़ना और जीतना हारना ये तो ईश्वर का विधान है, पर लड़ना चाहिए अपने देश के लिए, अपने राष्ट्र के लिए, अपने भारत भूमि के लिए लड़ना चाहिए। भगवान की भक्ति बाद में, राष्ट्र की भक्ति पहले। भारत माता की हम मिट्टी के ऋणी हैं। जननी जन्म भूमश्च स्वर्गादपि गरीयसी। जन्म देने वाली माँ और माटी जन्म भूमि। जब राम 14 साल के लिए वनवास गए तो अयोध्या की माटी अपने साथ लेकर के गए थे। ये माटी का प्यार राम से कोई सीखे। अपने बच्चों को मेरी माँ, बेटी हो बेटा हो, योग्य बनाना, मस्त अच्छा बनाओ, कचरा मत बना देना। तो हमारी कितनी बहनें, आप लोग तलवार चलाती हो या नहीं, सीखती हो? कुछ कराटे वराटे सीखा करो, कुछ तलवार वगैरह चलाना सीखा करो, भाला चलाना सीखा करो। जूजू बनी रहती हो। मोबाइल चलाती हैं, व्हाट्सएप में आई लव यू खेलती हैं। महाभारत का युद्ध, आप लोग महाभारत पढ़ा करो। कुछ लोग कहते हैं जी घर में महाभारत रखेंगे तो महाभारत होगा। बताओ, इतना गलत प्रचार करते हैं सनातन धर्म का। इन लोगों को मिर्ची का धुआं देने की जरूरत है। जो ऐसा कहें, इनके उल्टा लटकाओ, पांव ऊपर बांधो, सिर नीचे करो, लाल मिर्ची का धुआं। महाभारत घर में रखनी चाहिए, पढ़ना चाहिए। जो महाभारत पढ़ता है उसके जीवन में महाभारत नहीं होता, क्योंकि महाभारत की कथा हमें बहुत कुछ मैच्योर कर देती है। अच्छा ये बताओ, जो महाभारत पूरा पढ़ लेगा उसे फिर कुछ पढ़ने की जरूरत? पूरा इतिहास, भारत का पूरा इतिहास, भारत का कल्चर सब कुछ है महाभारत। ऐसी इस धरती, इस संसार में ऐसी कोई कथा नहीं है जो कथा महाभारत में ना हो। 18 पुराण में ऐसी कोई कथा नहीं है जो कथा महाभारत में ऑलरेडी ना हो। ऐसा कोई ज्ञान नहीं है। अरे और तो छोड़ो, श्रीमद् भगवत गीता भी महाभारत का ही अंग है। भगवत गीता भी महाभारत के अंदर है। विष्णु सहस्त्रनाम भी महाभारत के अंदर है। ये महाभारत के ही 1,00,000 श्लोकों में 700 श्लोक निकाले गए जो भगवान की वाणी, वो महाभारत का ही चैप्टर है, सब्जेक्ट है। अब बताओ, गीता से बड़ा ज्ञान धरती में कहां? इस संसार में ऐसा कोई ज्ञान नहीं जो महाभारत के अंदर ना हो। और लोग, मूर्ख लोग कहते हैं महाभारत ना पढ़ो वरना महाभारत होगा। तो यूक्रेन ने रसिया से, कौन से इन लोगों ने महाभारत पढ़ा था कि इनका महाभारत चल रहा है? यूक्रेन और रसिया ने महाभारत पढ़ा है क्या? फिर भी तो चल रहा है। और जो तुम अंधविश्वास फैला रहे हो कि महाभारत रखने से, पढ़ने से महाभारत होगा, तुम नहीं पढ़ रहे हो फिर भी तो तुम्हारी सास बहू का महाभारत चल ही रहा है। पढ़ लेते तो ये ना होता, ये भाई भाई का महाभारत ना होता जो हो रहा है ना। मैया मैया, ओ पंचायती मैया, सही है ना। अच्छा, ये एक सवाल मैं आपसे पूछ लूं, बताओ महाभारत का युद्ध क्यों हुआ था? आप बताएंगे? आप सब लोग टुप्पई टाप रहेंगे, ये बताएंगे महाभारत का युद्ध क्यों हुआ था? किसकी गलती थी? हाँ, धृतराष्ट्र की गलती। क्या गलती थी? एक गलती बताओ। अपने पुत्रों को संस्कार नहीं दे पाया कि धर्म क्या है और अधर्म क्या है। बढ़िया है, ठीक कहा आपने। गलती धृतराष्ट्र की थी क्योंकि वो अपने बेटों को संस्कार नहीं दे पाया। यह भी बहुत बड़ा कारण था महाभारत होने का। इसलिए आप अपने बच्चों को केवल पैदा करके छोड़ मत देना, संस्कारवान बनाना, तब तो बच्चे बच्चे हैं, नहीं तो फिर सुअर में और इनमें अंतर क्या। संस्कारवान। दुर्योधन जब भगवान शांति दूत बनकर आए और दुर्योधन ने उनके साथ गलत व्यवहार किया, अपनी सेना से कहा बांध लो कृष्ण को, और जब फिर रोका गया तो फिर गांधारी ने माफी मांगी, हे कन्हैया ये मेरा बेटा बड़ा दुष्ट है दुर्योधन, माफ कर दो, समझ नहीं पाया आपको, मैं आपकी माँ हूं, बुआ हूं, मुझे माफ कर दो। तब भगवान कृष्ण ने बोला गांधारी माँ से, माँ क्षमा मांगनी हो तो मुझसे मत मांगो, अपने बेटे दुर्योधन से मांगो। गांधारी बोली क्या कह रहे हो कन्हैया, मैं अपने बेटे से क्षमा क्यों मांगू? आप क्षमा करो ना मुझे। भगवान कृष्ण ने वहां जो बात कही वो आप ध्यान से सुनिएगा। देखो महाभारत में कितना ज्ञान है। भगवान कृष्ण ने कहा माँ आप अपने बेटे दुर्योधन से क्षमा मांगो इस बात के लिए कि आपने समय रहते उसे संस्कार नहीं दिया कि बेटा क्षमा कर दो, मैंने तुझे बड़ों का सम्मान करने का संस्कार नहीं दिया, कि बड़ों से बात कैसे की जाती, तमीज क्या है, तमीज नहीं सिखाई, इसलिए अपने बेटे से क्षमा मांगो। मैया तुम्हारा बेटा नालायक हो जाए तो बेटे से क्षमा मांगना कि बेटा क्षमा कर दो, मैं तुम्हें समय रहते लायक नहीं बना पाई, नहीं बना पाया। समय से आप लायक बनाते, समय से आप बच्चों को योग्य बनाते तो आपके बेटे नालायक क्यों होते? आपने लापरवाही की, पैदा कर दिया, छोड़ दिया, कोई ध्यान नहीं दिया बच्चों पर के मोबाइल चला रहे हैं तो देख क्या रहे हैं मोबाइल में, क्या खा रहे हैं, क्या पी रहे हैं, गुटखा खा रहे हैं, सिगरेट पी रहे हैं, शराब पी रहे हैं। कोई एक दिन में शराबी नहीं बनता, कोई पहले आदमी एक बार शराब पीता है, 2 बार पीता है, यदि उस समय यदि उसे सही गाइड मिल जाए तो वो छोड़ देता है। छोड़ना कठिन तब हो जाता है जब व्यक्ति गहरे नशे में डूब जाता है। तो वहां तक पहुंचा क्यों? आप कहां थे जब आपका बेटा शराबी बन रहा था? आप कहां थे जब आपका बेटा 2-4 लड़कियों को आई लव यू लिख के रोज भेज रहा था? और जब रोते सब है महाराज जी बेटा ऐसा, महाराज जी भला ऐसा, रोने से काम ना होगा। हाँ, रोने से काम ना होगा। आपका डिसीजन, आपका एक सही निर्णय या एक गलत निर्णय आपके बच्चों का भविष्य तय करेगा। एक गलत निर्णय लिया तो सारे पूरा भविष्य चौपट हो जाएगा बच्चों का, और एक सही निर्णय लिया तो आपका और आपके बच्चों की यश कीर्ति की पताका लहराती रहेगी। मेरी माँ, अच्छी माता बनो, अच्छे पिता बनो। अच्छे माँ बाप की पहचान क्या है? अच्छी संतान जिसकी है वही अच्छे माता पिता है। अच्छी संतान जिसकी नहीं है वो अच्छे माता पिता। संतान अच्छी होनी चाहिए, अच्छी मतलब संस्कारी, अच्छी मतलब गोरी और ये सब नहीं कि तुम दिन भर उनको फेयर एंड लवली लगवाना शुरू करो। हाँ, चल बेटा ले फेयर एंड लवली, अब लगा अच्छा बन। तो अच्छी का मतलब है अच्छे संस्कार। तो भगवान इन बातों को समझने की जरूरत है। ये देखो शास्त्रों की गहराई में हम आपको ले गए और मर्म तक पहुंचाया, ये रहस्य। तो महाभारत का युद्ध जो है क्यों हुआ? पहला कारण आप श्री ने बताया, दूसरा कारण है सही बंटवारा ना होने से महाभारत का युद्ध हुआ। यदि धृतराष्ट्र ने सही बंटवारा किया होता, पांडवों का अधिकार पांडवों को दिया होता, कौरवों का, तो क्यों महाभारत हो? प्रॉपर्टी का ही तो विवाद था, जमीन जायदाद का ही तो झगड़ा था। तो आपके बच्चों को भी आपस में लड़ना ना पड़े, इसलिए जितने बूढ़े बाप यहां बैठे हैं, समय रहते अपने बच्चों का बिल्कुल सही सही ईमानदारी से बंटवारा कर देना, नहीं तुम्हारे मरते ही तुम्हारी औलाद आपस में लड़के मर जाएगी। यदि तुमने सही सही बंटवारा नहीं किया तो अक्सर भाई भाइयों के रिश्तों में खटास तब आती है जब बंटवारा होता है, हाँ या ना? और कई बार तो ऐसा होता है कि बाप मर गया, माँ मर गई, बंटवारा हुआ नहीं है, बच्चे लड़ रहे हैं आपस में, ये मैं लूंगा, ये मैं लूंगा, ये मैं लूंगा। इसलिए जितने बूढ़े बैठे हैं पिता, आपने बंटवारा कर दिया? हाँ, एक है सिंगल फेस, बढ़िया। जहां दो हैं और तीन छोरा है, चार है, कितने हैं आपके? चार। बंटवारा कर दिया, जमीन जायदाद बांट दी ना सब, तो घर सबके अलग अलग हो गए, फिर बढ़िया। अब तो बांटने के लिए कुछ है? आप तो, आपके पास तो सोना बहुत है, नहीं है? ठीक है, फिर है भी तो ये बोलते रहना है पर अभी नहीं देंगे। जमीन जायदाद तो दे दो, सोना चांदी कुछ प्रॉपर्टी भी अपने पास बुढ़ापे में बचा के रखना चाहिए, नहीं बच्चे सेवा ही नहीं करेंगे। तो बंटवारा कर देना सही सही, जीते जी आनंद से। बेटा देखो संतुष्ट होना, ये लेकर लड़ोगे तो नहीं आपस में। हमारे जाने के बाद सब पूछ लो, ठोक बजा के देखो बच्चों को। बहू को सास, सास आप भी बंटवारा कर दिया करो। हाँ, जीते जी बोल दिया करो कि मेरे दाहिने पांव का वो बड़ा वाला चांदी का ये बड़ी बहू ले लेगी और दूसरे पांव का छोटी, वरना तुम्हारे मरने के बाद वो लड़ती है कि ये मैं लूंगी, वो ये मैं लूंगी। अब बीच वाली फिर भाई दो पांव हैं और तीसरा फिर ऊपर का पूरा पोर्शन का बहू ले लेगी तीसरी वाली। हाँ, कान के झुमके है, बिंदिया है, वो उस बजट का ले लेगी ना भाई। यदि 1 लाख का पांव का है तो 1 लाख के ऊपर का बजट ले लेगी वो, या फिर उसके टुकड़े किए जाएंगे। 2 किलो का वो टोडर है तो वो 3 बच्चे हैं तो 2 किलो को 3 भागों में कर लो, ऐसे ही होता है सब। 50-50-50-50 ना, काहू को कम ना काहू को तो आप तीन हो मतलब है चार। तो सास के हैं पाँव मोटे मोटे वो पहनने वाले, मैया लाई हो, पहनती हो कि नहीं? हाँ। बंटवारा सही हो तो महाभारत नहीं होता, बंटवारा गलत होता है तो हाँ महाभारत की कथा हमें सबक देती है। गुरु द्रोणाचार्य के बेटे अश्वत्थामा ने द्रौपदी के 5 पुत्रों को मार दिया, तब कुंती तब द्रौपदी ने भगवान से कहा, अर्जुन मारने के लिए गए अश्वत्थामा को, उन्होंने ब्रह्मास्त्र चला दिया, तब अर्जुन ने कहा, कृष्ण कृष्ण महाबाहो भक्तानाम भयंकर त्वमेको दह्यमानानाम् अपवर्गोऽसि संसृते। हे प्रभु मेरी रक्षा कीजिए। जब अश्वत्थामा गए तो भगवान ने अश्वत्थामा के ब्रह्मास्त्र से भगवान ने अर्जुन से कहा आप भी ब्रह्मास्त्र चलाओ, दोनों टकराए, भगवान ने शांत किया, लाकर द्रौपदी के सामने अश्वत्थामा को खड़ा किया। द्रौपदी तेरे पुत्र का हत्यारा, ये जो दंड देना चाहो दे दो। द्रौपदी ने कहा इसे छोड़ दो, इसे छोड़ दो। क्यों छोड़ दो? क्योंकि ये गुरु पुत्र है, ब्राह्मण को कभी मारना नहीं चाहिए, गुरु को क्या मारे। ब्रह्म बंधुर न हंतव्य आतताई बधारणा, ब्राह्मण को कभी मारो मत और आतताई को छोड़ो मत। अश्वत्थामा के प्रति द्रौपदी के अंदर जब दया भगवान ने देखी, अच्छा द्रौपदी बड़ी दयावान है, और दया करना किसका काम है? दया करना भगवान का काम है। और भगवान के रूप में आपके घर में कौन है? आपके घर में भगवान के रूप में कौन है? हाँ, इसलिए तू कितनी अच्छी है, तू कितनी भोली है, ओ प्यारी प्यारी है, ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ, ओ प्यारी माँ। आप भी अपनी अपनी माँओं की सेवा करते हो कि नहीं? अच्छा बताओ सबसे अच्छा कौन है? बाप और माँ दोनों में सबसे अच्छा कौन होता है? हा? पिता भी अच्छा होता है, पिता भी अच्छे हैं, पर माँ सबसे अच्छी है। पिता का भी सम्मान होना चाहिए, पर हमारे यहाँ माता पिता दोनों में यदि दोनों को तराजू में रखा जाए तो बताओ किसका पलड़ा भारी होगा, बाप का कि माँ का? जोर से किसका बता? माँ। क्यों माँ का पलड़ा भारी क्यों होता, कारण बताओ फास्ट। नहीं बताएंगे? इसलिए क्योंकि पिता अपने बच्चों से प्यार तो करता है, पर जितना माँ करती है उतना बाप नहीं कर सकता। माँ खाने बैठी है और तभी बच्चे ने छिछी कर दी, सुसु कर दी, तो ये देख करके बाप को घिन आ सकती है, बाप परेशान हो सकता है, गुस्से से बच्चे को डांट सकता है, मार सकता है, पर माँ उस हाल में भी बच्चे को केवल प्यार ही करती है। कई बार बच्चे रात रात जगाते हैं, रात भर रोते हैं और दिन भर सोते हैं, तो वो जब रात भर रोते हैं तो वो नींद खराब होती है माँ बाप की, जिसमें बाप को गुस्सा आ सकता है कि नींद खराब कर रहा है यार। लेकिन माँ उस समय भी आपको सुलाने के लिए, जबकि वो दिन भर के काम में थकी थी, फिर भी आपके लिए वो जाग करके और आप की सेवा में लगी है, इसलिए माँ जैसा कोई नहीं, इसलिए माँ भगवान का स्वरूप है, इसलिए अपनी माँ की सेवा करनी चाहिए। हर बेटे को अपनी माँ की सेवा करनी चाहिए। तू कितनी भोली है, ओ प्यारी प्यारी है, ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ, ओ प्यारी माँ। तू कितनी अच्छी है, तू कितनी भोली है, प्यारी प्यारी है, ओ माँ। तो फुलवारी है, ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ, प्यारी माँ। दुखन लागी है माँ तेरी अखियाँ, मेरे लिए जागी है तू, मेरे लिए जागी है तू, सारी सारी रतियाँ मेरी निंदिया पे हो, अपनी निंदिया भी होने वाली है, ओ माँ। अपना नहीं तुझे सुख दुख कोई, मैं मुस्काया हो तू मुस्काई हो, मैं रोया तू रोई, मेरे हंसने पे हो मेरे रोने पे हो, तू बलिहारी है, ओ होती है, माँ बच्चों की जान होती है। वो होते हैं किस्मत वाले, वो होते हैं किस्मत वाले, जिनकी माँ होती है कितनी सुंदर है, कितनी शीतल है, प्यारी प्यारी है। हो माँ, तुझे क्यों आंख से दरिया बहता है। तू कहती थी तेरा चांद हूँ मैं, और चांद हमेशा रहता है। तेरी मिट्टी ही मैं मिल जावा, गुल बन के मैं खिल जावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। तेरी नदियों में बह जावा, तेरे खेतों सहारा, सुख जीवन का सारा, तेरे चरणों में मारो भोले माँ। हो माँ, हो माँ। अच्छा ये बताओ, आप में से कितने लोग अपनी माँ की आरती उतारते हैं? सच्ची बताइए, अपनी माँ की आरती जरूर उतारा करो। भगवान की आरती उतारने के बाद समय मिल जाए तो माँ भगवान की भले भूल जाओ, पर माँ की आरती उतारना मत भूलो, क्योंकि माँ ना होती तो हम जानते ही नहीं कि कोई भगवान भी होते हैं। भगवान को हमने बाद में जाना है, पहले हमने किसको जाना है? माँ। और ये सबके साथ है, हर लड़की हो हर लड़का हो, सबसे पहले हमारी गुरु माँ रही है। इसलिए आरती जलाओ और माँ की आरती उतारो। हो लेके पूजा की थाली, ज्योत मन की जलाली, तेरी आरती उतारो भोले माँ। तुझे दे सहारा, सुख जीवन का सारा, चरणों में मारो भोले माँ। हो माँ, हो माँ, हो माँ, हो माँ। समय निकल जाए तो माँ के पास बैठो, चरण दबाओ और माँ की सेवा इतनी करो कि माँ की आंखों में आंसू आ जाए। और माँ जब कहे कि मेरी बहू मेरे बेटे जैसा, भगवान सबको बेटा बहू देना, तब आपका बहू और बेटा बनना सार्थक है। खुशियों का दिन आया है, जो मांगा वो पाया है। आज मुझे मेरी माँ ने बेटा कह के बुलाया। मेरी माँ, मेरी माँ, मेरी माँ। बंधन तो प्यार का बंधन है, जन्मों का संगम है। कितनी अच्छी है, तो कितनी भोली है, प्यारी प्यारी है। ओ फिकर तुझे क्यों आँख से दरिया बहता है, तू कहती थी तेरा चाँद हूँ मैं और चाँद हमेशा रहता है। ओ माई मेरी क्या फिकर तुझे क्यों इस दरिया बहता है, तू कहती थी तेरा चांद हूँ मैं और चांद हमेशा रहता है। तेरी मिट्टी में मिल जावा, गुल बन के है मैं खिल जावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। तेरी नदियों में बह जावा, तेरे खेतों में लहरावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। ओ माँ, ओ माँ, प्यारी माँ। मुझे इस दुनिया में लाया, मुझे बोलना चलना सिखाया, ओ मात पिता तुम्हें वंदन, मैंने किस्मत से तुम्हें पाया। पूजा है तुझको पूजेंगे हरदम, माँ के ही अर्पण है ये मेरा जीवन। ओ मेरी माँ के मंदिर है और ममता पूजा है, एक वो ही भगवन है और कोई न दूजा है। ये मेरी कहानी है, प्यारी जिंदगानी है। आज हूँ मैं जो कुछ भी, मेहरबानी तेरी है। तेरे जीवन में खुशियाँ तमाम आएंगी, तेरे जीवन में खुशियाँ तमाम आएंगी। ले ले माँ की दुआएं, तेरे काम आएंगी। माँ, माँ ही मन, माँ ही पूजा, माँ से बढ़कर कोई न दूजा। माँ ही मंदिर, बड़े बड़े ज्ञानी कहते हैं माँ का रुतवा सबसे ऊंचा। माही मंदिर, ओ माही पूजा, ओ माँ से बढ़कर कोई ना दूजा। तेरी उंगली पकड़ के चला, ममता के आंचल में पला। माँ, ओ मेरी माँ, मैं तेरा लाडला, मैं तेरा लाडला। बन के तेरा साया मैं तुझको थाम लूं, उठ के पहले प्रभु से मैं तेरा नाम लो। बन के तेरा साया मैं तुझको थाम लो, उठ के पहल प्रभु से मैं तेरा नाम लूं, रखूं तुझे पलकों तले, पूजा करूं तेरी, तेरे सिवा तू ही बता क्या जिंदगी मेरी। मैं तो तेरे सपनों के रंग में ढला, तेरी उंगली पकड़ के चला, ममता के आंचल में फला। माँ हो मेरी माँ, मैं तेरा लाडला, मैं तेरा लाडला। बन के तेरा साया मैं तुझको थाम लूं, उठ के पहले प्रभु से मैं तेरा नाम लूं, रखो तुझे पलकों तले, पूजा करो तेरी, तेरे सिवा तू ही बता क्या जिंदगी मेरी। मैं तो तेरे सपनों के रंग में ढला, मैं तो तेरे सपनों के रंग में ढला। इस लाइन का अर्थ कौन करेगा? मैं तो तेरे सपनों के रंग में ढला, मैं तो तेरे सपनों के रंग में ढला। क्या अर्थ है इस लाइन का? मैं तो तेरे सपनों के, क्या अर्थ? आपसे एक बेटा अपनी माँ से कह रहा है, एक बेटी अपनी माँ से कह रही है कि मैं तो तेरे सपने के रंग में ढला या ढली, तो क्या अर्थ है बताओ इसका? क्या अर्थ है इसका? मैं तो तेरे सपनों के रंग में ढला। हाँ, जो मैं चाहता हूं माँ वो तू मत कर, जो तू चाहती है वो मैं बनकर दिखाऊंगी, वो करके दिखाऊंगी, बन के दिखाऊंगा, करके दिखाऊंगा। और आजकल के बच्चे अपनी माँ को अपने हिसाब से चलाना चाहते हैं। माँ को अपने हिसाब से मत चलाओ, माँ के हिसाब से चलो। माँ आपका सबसे बेस्ट चाहती है, अच्छा सोचती है, इसलिए मैं आपके सपनों में, हर माँ का सपना होता है मेरी बेटी तरक्की करे, मेरा बेटा तरक्की करे, खुश रहे, खूब अच्छा काम करे, बुरा काम ना करे। आप किसी भी फील्ड में जाओ, किसी भी सब्जेक्ट से आगे बढ़ो, पर अच्छे बनो, अच्छे काम करो, उस क्षेत्र में अपना नाम, तब माँ, माँ तेरी उंगली पकड़ के चला। कल हमारी एक माँ यहाँ आई जो यहाँ गौरी गोपाल आश्रम में रहती हैं। उन्होंने बताया कि बेटे ने घर से निकाल दिया, कह दिया जाओ कहीं भी रहो कहीं भी। पोता की शादी हो गई, बुलाया नहीं। क्या माँ ने बच्चों की, आप में से ऐसा कौन बच्चा होगा जो माँ की उंगली पकड़कर चलना ना सीखा होगा? आप में से कितने लोग सबसे पहले माँ की उंगली पकड़कर चलना सीखे हैं बताओ? आप कितने लोग अपनी माँ के ऋणी हैं? माँ बाप के ऋणी कितने लोग हैं? ऋणी हो ना? कैसे चुकाओगे ऋण? कैसे चुकाओगे? सेवा करके। माँ बाप का ऋण कैसे चुकाओगे? सेवा करके। इसलिए माँ बाप की सेवा ही उनका ऋण चुकाना है। इसलिए मेरी प्रार्थना आप सबसे है कि आप सब लोग अपने अपने माँ की, अपने अपने पिता की सेवा किया करिए, क्योंकि इनकी सेवा ही हमारा धर्म है। जब इनकी सेवा हम करते हैं ना, तो ये जब खुश होते हैं तो हमें माँ बाप आशीर्वाद देते हैं। और जब माँ बाप आशीर्वाद देते हैं ना तो निश्चित मानिए कि वो भगवान की दुख सहना माँ बाप की खातिर फर्ज है। दुख सहना, यदि माँ बाप की सेवा करके जरा दुख मिल भी जाए तो माँ बाप की खातिर दुख सहना माँ बाप की खातिर फर्ज है, एहसान नहीं। अरे कर्जा है माँ बाप का तेरे सिर पर, भिक्षा या कोई दान नहीं। कोई अपने माँ पर कोई कहे कि जी मैं तो माँ बाप की सेवा करता हूं तो करना ही है, कोई एहसान थोड़ी कर रहे हो। ये तो धर्म है हमारा। इसलिए हम माँ बेटे की छोटी सी एक कथा सुनाते हैं। कैसा होता है माँ का दिल ये तुम्हें बताते हैं। एक नगर गांव में एक माँ और एक बेटा रहता था। बेटा था आवारा पर वो माँ का तो चहेता था। माँ मेहनत मजदूरी करके जब घर को थी आती, थक कर हो जाती चूर मगर बेटे को लाड लड़ाती। वो थकी हारी माँ घर आकर जब थी भोजन बनाती, पहले बेटे को खिलाकर ही माँ खुद बाद में खाती। माँ के ऐसे त्यागों को तुम यूं बिसराओ ना, यूं बिसराओ ना। ममता मई माँ का जीवन में दिल कभी दुखाओ ना, दिल कभी दुखाओ ना। यही वेद है यही पुराण है माँ ममता का ज्ञान। यही वेद है यही पुराण है माँ ममता का ज्ञान। उस माँ की किस्मत देखो। एक माँ थी जो गरीब थी, मजदूरी करके आती, बच्चे को लाड़ लाती, खिलाती पिलाती। वो बच्चा जब बड़ा हुआ तो पढ़ लिख करके, उस माँ की किस्मत देखो। वो लड़का था आवारा, कुछ काम नहीं करता था, वो फिरता था मारा मारा। उस लड़के का दिल देखो, एक लड़की पे आया, दीवानगी के आलम में उसका मन भरमाया। इकरार किया लड़की से, अपने दिल की बात कह दी, दुल्हन बन जाओ तुम मेरी, कर लो मुझसे शादी। एक लड़का था, उसका एक लड़की में दिल आ गया। उसका एक ही लड़का था, उसकी माँ मजदूरी करती थी, पढ़ाया लिखाया, मजदूरी करके कॉलेज भेजा, पर उसका तो। उस लड़के का दिल देखो, एक लड़की पे आया, दीवानगी के आलम में उसका मन भरमाया। इकरार किया लड़की से, अपने दिल की बात कह दी, दुल्हन बन जाओ तुम मेरी, कर लो मुझसे शादी। लड़की ने कहा करते हो प्यार कितना ये बतलाओ। लड़की ने कहा तुम मेरे से कितना प्यार करते हो। लड़का बोला तुम चाहो तो मुझको लो आजमाओ। मैं कितना प्यार करता हूं, तुम चाहो तो आजमा लो। लड़की बोली जाओ जाओ। लड़की ने कहा अच्छा। जब लड़के ने कहा, लड़का बोला तुम चाहो तो मुझको लो आजमाओ। लड़का बोला तुम चाहो तो मुझको लो आजमाओ। लड़की बोली है जाओ जाओ तुम बात बनाओ ना, तुम बात बनाओ ना। ममता मई माँ के जीवन को दिल, ममता मई माँ का जीवन में दिल कभी दुखाओ ना, दिल कभी दुखाओ ना। यही वेद है यही पुराण है माँ ब्रह्मा का ज्ञान। लड़की ने कहा, अच्छा लड़के ने कहा आजमा लो, तो लड़की ने कहा अपनी माँ का दिल मुझको ला कर दो, करते हो सच्चा प्यार अगर तुम ये साबित कर दो। लड़की बोली कि तुम अपनी माँ का दिल फाड़ कर, खंजर मारो छाती पर, माँ का कलेजा फाड़ो और जो दिल है धड़कता हुआ वो दिल ला कर दो अपनी माँ का, तब मैं जानूंगी कि तुम मेरे से बहुत प्यार करते हो। लड़की ने कहा माँ, लड़की ने कहा अपनी माँ का दिल मुझको ला कर दो, करते हो सच्चा प्यार अगर तुम ये साबित कर दो। इतना सुन कर वो उछल पड़ा वो जालिम अन्यायी, चल पड़ा जिगर माँ का लेने ना लाज शर्म आई। भूखी प्यासी माँ के दिल पर झट उसने वार किया, वे दर्दी से खंजर माँ के सीने पे वार किया। चल पड़ा जिगर लेके माँ का वो जालिम आवारा, चढ़ने न दिया चौखट पर उस लड़की ने दुत्कारा। हो कातिल माँ बेटे के तुम मुझे शक्ल दिखाओ ना। उस लड़की ने कहा कि जाओ माँ का दिल लेकर आओ। लड़का दिल माँ के पास गया, माँ भूखी प्यासी बैठी थी, बेटा नहीं आया, खाऊं कैसे? जैसे ही आया माँ ने कहा बेटा कुछ खा लो, पर उसे तो दिल, उसने खंजर लिया माँ की छाती पर मारा, माँ धड़ाम से गिर पड़ी। और जब माँ गिर पड़ी तो माँ की छाती उसने फाड़ी और धड़कता हुआ माँ का दिल निकाला। वो दिल लेकर के जब चला तो लड़खड़ाते हुए वो लड़का आगे कहीं गिर गया, तो उस धड़कते हुए दिल से आवाज आ गई, बेटा तुम्हें कहीं चोट तो नहीं आ गई, बेटा तुम्हें कहीं लगी तो नहीं? वो जब लड़की के सामने वो माँ का दिल लेकर गया तो लड़की ने कहा जाओ यहां से। चढ़ने न दिया चौखट पर उस लड़की ने दुत्कारा, चढ़ने न दिया चौखट पर उस लड़की ने दुत्कारा। हो कातिल माँ बेटे के तुम, हो कातिल बेटे माँ के तुम, अब शक्ल दिखाओ ना, मुझे शक्ल दिखाओ ना। ममता मई माँ का जीवन में दिल कभी दुखाओ ना, दिल कभी दुखाओ ना। यही वेद है यही पुराण है माँ ब्रह्मा का ज्ञान, यही वेद है यही पुराण है माँ ब्रह्मा का ज्ञान। उस लड़की ने कहा कि जब तुम अपनी जन्म देने वाली माँ के ना हो पाए तो तुम हमारे क्या बनोगे, इसलिए हम तुमसे विवाह नहीं करेंगे। तुमने हमारे प्यार के लिए अपनी माँ के प्यार को ठुकरा दिया, जिस माँ ने तुम्हारे लिए क्या कुछ नहीं किया। तुम अपनी माँ के ना हो पाए तो हमारे क्या बनोगे। उस लड़की ने उसे निकाल दिया घर के बाहर। वो लड़का रोया अपनी माँ को याद करके। आज समाज में ये कथा कोई बड़ी नहीं है, आम बातें हो गई हैं। आजकल के लड़के हों या लड़कियां हों, अपने माँ बाप का दिल चाकू मार के दिल निकालना का मतलब ये नहीं कि तुम दिल निकाल ही लो। जब तुम अपने बच्चे जब अपने माँ बाप को छोड़कर मनमाने तरीके से शादी ब्याह कर लेते हैं तो वो माँ की हत्या ही तो कर देते हैं। हत्या का मतलब ये थोड़ी कि आप खंजर मारो, माँ के प्राण निकालो तभी मारा जाए। आप अपने माँ बाप के खिलाफ जाकर कोई निर्णय लेते हैं बड़ा, जैसे शादी आपने मनमानी तरीके से कर ली, जैसे आपने किसी लड़की से प्यार के चक्कर में अपने माँ बाप को छोड़ दिया, किसी लड़के के प्यार के चक्कर में अपने माँ बाप को त्याग दिया तो माँ बाप को त्याग देना उनकी हत्या कर देने के बराबर ही तो है और क्या है। कोई तलवार से मारना ही मारना थोड़ी होता है। अपने से बड़ों का अपमान कर देना, समाज में उनकी इज्जत, उनकी नाक कटा देना, इससे बड़ी मृत्यु और क्या हो सकती है। तो जो बच्चे अपने माँ बाप के खिलाफ जाकर शादी ब्याह कर लेते हैं मनमाने तरीके से, माँ बाप की बात नहीं मानते, समाज में माँ बाप का अपमान करते हैं, जिस गली से माँ बाप गुजरते हैं लोग उन्हें ताने मारते हैं, तो ये बच्चे अपने माँ बाप की हत्या ही तो कर रहे हैं। क्यों जी, हत्या है या नहीं? बोलो हाँ, ये हत्या है। जरूरी नहीं है कि आप चाकू तलवार से मारें। अपने से बड़ों का अपमान कर देना ही उनको मार देने के बराबर होता है। इसलिए यह दास अनिरुद्ध वृद्ध माओं की सेवा करता है। और आपको भी मैसेज देता हूं, सेवा किया करो। सेवा से बड़ा कोई धर्म नहीं है। सबसे बड़ा धर्म है सेवा। एक बात बताएं मेरी मां, वृंदावन में आप जब आते हो तो हर मंदिर में जाकर के भगवान का दर्शन करते हो, पर जब गौरी गोपाल आते हो तो यहां भगवान का दर्शन नहीं, यहां सेवाओं का दर्शन करने आते हो। ये बात सही है या गलत है? गौरी गोपाल आश्रम में कोई भगवान का दर्शन करने नहीं, यहाँ की सेवाओं का दर्शन करने आते हैं। सोचिए कि लोगों की सोच बदल रही है। अब वो भगवान के दर्शन तो कर रहे हैं, पर आज का समाज जाग गया है, अब वो सेवाओं का भी दर्शन करता है। अब आप लोग सेवा को भी भगवान से कम मत समझिएगा। भगवान और सेवा, एक तरफ भगवान का मंदिर है और दूसरी तरफ समाज की सेवा है। तो आप भगवान का दर्शन करने के बाद गौरी गोपाल आश्रम में आकर सेवाओं का दर्शन भी करते हैं। और पूरे भारत में इकलौता गौरी गोपाल आश्रम है। कभी भी आइए, आपको यहाँ केवल सेवाओं का ही दर्शन होगा। अपनी आंखों से देखिएगा हमारे कहने पर क्या है, हम क्या कहें आपसे। सेवाओं का दर्शन करना है तो गौरी गोपाल आश्रम आइएगा। गौरी गोपाल भगवान की कृपा से यहाँ दिव्य सेवाएं हैं, अखंड सेवा। कल यहाँ पूज्य बागेश्वर वाले महाराज जी आए और जब यहाँ की सेवाएं उन्होंने देखी तो उन्हें बड़ा आश्चर्य लगा कि यहाँ हजारों लोग भोजन करते हैं, सबके लिए द्वार खुला है, कोई भी आए कोई भी खाए। उन्होंने अपने हाथ से भी रसोई बांटी। उन्होंने देखा किस प्रकार यहाँ सेवाएं चल रही हैं। सेवाएं जब आप लोग करते हैं, जब आप सेवाओं से जुड़ते हैं, तो आपसे भगवान प्रसन्न हो जाते हैं कि आपने अपने आप को इन सेवाओं से जोड़ करके पावन किया, कृतार्थ किया। तो गौरी गोपाल आश्रम में जो रसोई सेवा चल रही है, हजारों भक्त आए, कितने भी लोग आए, सबके लिए ये रसोई खुली है या नहीं? हाँ या ना? आप में से कितने लोगों ने प्रसादी पाई? पाई? कोई भी आए, सबको पेट भर भोजन। आप लोगों ने दर्शन किया या नहीं? तो आप लोग भी ये रसोई से जुड़िए। देखिए गौरी गोपाल आश्रम में किस तरह से यहाँ की रसोई सेवा का दर्शन करने, यहाँ की सेवाओं का दर्शन करने के लिए भी बड़े बड़े साधु संत यहाँ आकर के इन सेवाओं को देख रहे हैं। अपने हाथ से ये सेवाएं कर रहे हैं। अन्य क्षेत्र की सेवा अपने हाथ से अन्न बांट करके, अन्नदान करके पुण्य के भागीदार बन रहे हैं। तो आप भी ये गौरी गोपाल आश्रम में जो सेवाएं चल रही हैं, ये सेवा सामान्य सेवा नहीं है भक्तों। नर सेवा ही नारायण सेवा है, मानव सेवा ही माधव सेवा है। भगवान कभी डायरेक्ट नहीं खाते। जब गर्भवती माँ खाती है तो उसके पेट में पल रहे बच्चे के पेट में अपने आप चला जाता है माँ का खाया पिया। ऐसे जब भक्त खाते हैं तो भगवान के पेट में अपने आप चला जाता है। आप भी अपनी ओर से रसोई बटवाइए, अपनी बेटी का बेटों का जन्मदिन गौरी गोपाल आश्रम में आकर मनाइए और इन माओं का आशीर्वाद लेकर हजारों भक्तों को अन्न देकर अन्नदान की सेवा से जुड़िए। आप कितने लोग इस बात से सहमत हैं कि सेवा ही सबसे बड़ा धर्म है? पर हित सरिस धर्म नहीं भाई, सबसे बड़ा धर्म है परोपकार सेवा। और गौरी गोपाल आश्रम सेवा की प्रतिमूर्ति है, मिसाल है। गौरी गोपाल आश्रम में ये दास अनिरुद्ध हजारों भक्त। अब आप आश्चर्य मानेंगे वृंदावन धाम में कौन आता है? जो भक्त हैं वही ना आएगा, जिन पर बिहारी जी की कृपा है वही ना आएगा, और जिन पर बिहारी जी की कृपा वो भक्त आते हैं। और उन भक्तों को आपके द्वारा सोचो भोजन मिल जाए तो वो कृपा भगवान की आप पर हुई कि नहीं? इसलिए आपका अन्न आपकी रोटी यदि ये भक्त जन खाएंगे तो निश्चित उसका फल प्राप्त होकर ही रहेगा। गरीबों की गरीबियां तब मिटेंगी जब आप अपनी कमाई से कुछ हिस्सा परोपकार के लिए निकालना स्टार्ट करेंगे। धन तब बढ़ता है, धन तब बढ़ता है जब धन से धर्म होता है, और धन तब समाप्त हो जाता है जब धन से कभी धर्म ना हो, केवल अपना पेट भरा जाए। अपना पेट तो पशु पक्षी भी भर लेते हैं, पर सभी में बांट कर जो खाए उसे इंसान कहते हैं। गौरी गोपाल आश्रम में आप भी अन्नदान कीजिए। यहाँ केवल रसोई सेवा नहीं, गौरी गोपाल आश्रम में तमाम सेवाएं, संतों की सेवा। सवेरे से साधु संतों का तांता लग जाता है, हजारों संत यहाँ आते हैं, पेट भर भोजन लेकर जाते हैं। हमें अच्छा लगता है कि चलो ये शरीर काम आ रहा है किसी के। संतों की सेवा सबसे बड़ी सेवा है। सुबह सुबह ये साधु संत आते हैं, भोजन लेकर जाते हैं, आशीर्वाद देते हैं। आप भी अपनी ओर से एक दिन की रसोई अन्य क्षेत्र बंटवाओ संतों के लिए, ताकि आप भी इन संतों की सेवा से जुड़कर अपने बच्चों के नाम से संतों को भोजन देकर के बच्चों की आयु बढ़ेगी अन्नदान से। आप अन्नदान की जो बातें सुन रहे हैं सोचिएगा, जो आप देते हैं वो आपके सामने बिल्कुल यहाँ सेवा में, और यहाँ की सेवाएं आप आकर देखिए ही नहीं, अपने हाथों से बांट भी सकते हैं। आप भोजन दिन भर बांटो, आप थक जाएंगे बांटते बांटते भोजन, लेकिन भोजन बढ़ते बढ़ते यहाँ पर रुकता नहीं है, है ना मेरी माँ? भोजन बांटने वाला थक जाएगा, आप में हिम्मत है तो आप देख लो, आप थक जाएंगे बांटते बांटते। कितना बांटेंगे, लेकिन बांटते बांटते थक जाएंगे आप, पर यहाँ बंटना बंद नहीं होता। 24 घंटे भोजन चलता, ये समझो आप। रात्रि के 2 बजे कोई आ जाए उससे भी पेट भर भोजन गौरी गोपाल आश्रम में मिलता है। सुबह से लेकर के रात्रि के 10-11 बजे तक आप यहाँ भीड़ देखते होंगे, कोई भी आए भक्तों का तांता लगा, भक्तों की भीड़ लगी। कोई भी आओ भरपेट खाओ, और वो भी निःशुल्क। बाजार में 100 रुपए की थाली मिलती है जितनी, यहाँ पर भक्तों के लिए निःशुल्क व्यवस्था है। आप लोग सेवा करते हैं, ये सेवाएं चलती हैं। हजारों संत भोजन करते हैं, ले जा करके भोग लगाते हैं, संत भजन करके खाते हैं। हमारी रोटी संत खाएंगे तो रोटी ही नहीं पचेगी, हमारे पापों को पचाकर भस्म कर देंगे संत, जिनकी रोटी खाते हैं ना। तो आप भी संतों की सेवा, और संतों के लिए केवल अन्नदान नहीं, ईश्वर ने लायक बनाया हो तो अभी संतों के रहने के लिए कि संत निवास बनने जा रहा है, आप संतों के लिए 1 गज 2 गज 5 गज भूमि देकर आप संत निवास के लिए भूमि में सहयोग कर सकते हैं। संत लोगों के लिए रहने की जगह नहीं है। वृद्ध माताओं की व्यवस्था तो हो गई गौरी गोपाल आश्रम में, पर अभी तक वृद्ध पिता परेशान हैं, वृद्ध संत परेशान हैं, कहाँ रहें, कैसे, कौन बुढ़ापे में सेवा करे। तो उन संतों का कहना हुआ कि बेटा हम बूढ़े संत हैं, ना रहने का ठिकाना ना खाने का ठिकाना, जब तक हाथ पांव चलेंगे तो आश्रम में आकर गौरी गोपाल आश्रम में भोजन ले लेंगे। पर उन संतों के बारे में सोचिए जिनके हाथ पांव नहीं चल रहे हैं, तो उन संतों ने मेरे से कहा कि हम संतों के लिए भी आप कुछ स्थान बनाएं। हमने कहा जल्दी आपके लिए तैयारी करेंगे, ये भक्त लोग आपके लिए 2 गज 5 गज भूमि दें, जल्दी से फिर एक जमीन हो, उस पर एक सुंदर सा संत निवास हो और संतों की सेवा स्टार्ट हो। तो आप भी भूमि दान कर सकते हैं संतों के लिए, 1 गज 2 गज 5 गज भूमि, और आप भी संतों का दर्शन कीजिएगा बहुत जल्दी। आप भी भूमि दान की सेवाओं से जुड़िएगा। गौरी गोपाल आश्रम में वृद्ध माताएं 275 माताएं रहती हैं। वो वृद्ध माएं जिन माओं के बेटों ने घर से निकाल दिया, सेवा नहीं की, ऐसी बेसहारा माओं को गौरी गोपाल आश्रम में सहारा मिलता है। अच्छा बताओ, किसी का सहारा बनना सही है कि गलत है? तो आप भी किसी का बनिएगा। जो किसी का सहारा बनता है उसका सहारा भगवान बन जाते हैं। गौरी गोपाल आश्रम में वृद्ध माएं रहती हैं 275। अब इन माओं से आश्रम भर चुका है। आप में से कितने लोगों ने वृद्ध माताओं का दर्शन किया अपनी आंखों से? जो कह रहे हैं वो सही है कि गलत है? तो आप भी दर्शन करो। और 1000 माताओं के लिए एक आश्रम और बनाने की जरूरत है, जो आश्रम लगभग बन भी रहा है, लेकिन अभी आपकी एक ईंट की जरूरत है, 1-2 बोरी सीमेंट की जरूरत है, जो आपके द्वारा सहयोग मिलेगा तो यहाँ ईंट लगेगी और ये इमारत तैयार होगी माताओं के लिए। तो गौरी गोपाल आश्रम में जो वृद्ध माताएं रह रही हैं, अभी 275 माओं के अतिरिक्त 1000 माएं और रह सकें, क्योंकि रोज कोई ना कोई माँ आती है। तो आपकी भी एक ईंट इस आश्रम में लगे, एक छोटा सा सहयोग आपका भी हो। छोटे छोटे बच्चे अपनी गुल्लक का पैसा लाकर देते हैं कि हमारी ईंट, एक ईंट हमारी ओर से लगाइए इस आश्रम में। आप 500 ईंट, 1000 ईंट का सहयोग करिए, 10 बोरी 20 बोरी सीमेंट का सहयोग करिए, माताओं के कमरे में लगने वाले टाइल के लिए आप सहयोग कीजिए, माओ के कमरे में पंखे का सहयोग कीजिए, बेड का सहयोग कीजिए, गद्दे का, तकिए का सहयोग। हर चीज तो लगती है ना गृहस्थी में, और आप सब इन माओ के लिए जो चाहें दे सकते हैं, इन माओ के लिए जो आपको ईश्वर ने देने योग्य बनाया है। माओ के कमरे में एक कूलर का सहयोग करना चाहें, जो आप देना चाहें वो आप दीजिए। एसी देना चाहें आप माओ के रूम में कि हमारी माएं ठंडक का अनुभव करें, गर्मी का प्रकोप उन पर ना पड़े। जो प्रकार, देखिए हम बेटे हैं और हम तो चाहेंगे कि हम अपनी माँ की अच्छे से अच्छे सेवा कर सकें, क्योंकि हम आप लोगों के भगवान के भरोसे हैं और आप लोगों के सहयोग की उम्मीद है। तो आपके सहयोग से ही सारा काम होगा। तो जो आप ईश्वर ने लायक बनाया है जुड़िएगा। आप एक कमरा बनवा के माओ को भेंट कर दें, या एक कमरे की छत दें, या एक माँ को गोद लें, या इन माओ को आप भोजन दें कि एक दिन का भोजन हमारी ओर से वृद्ध माओ को, 275 माओ को, 1 माँ के भोजन की, 100 माँ के भोजन की सेवा, माँ के दूध आपकी ओर से बंटवाओ, फल बंटवाओ माओ को। आप माओ को अपने ओर से दवाइयों की सेवा, किसी प्रकार की सेवा दे सकते हैं। माओ को दवाई भी आप दे सकते हैं, दवाई गोलियों का भी आप सहयोग कर सकते हैं, जो आप लायक हैं देने के। गौरी गोपाल गौशाला में गाय रहती हैं, आप गायों के लिए भी चारा बोने के लिए भूमि दान, और गाय के लिए आप, अब देखो गेहूं कटने को आई ना, तो आप लोगों से प्रार्थना है कि आप अपनी ओर से किसानों से बात कर लो कि भैया तुम्हारी गेहूं कटेगी तो 1 एकड़ का जो गेहूं कटने का जो भूसा होगा, 1 ट्रॉली भूसा, आप अपनी ओर से, आप पैसे मत देना, आप 1 ट्रॉली भूसा ही भिजवा देना। यदि आप चाहें तो 1 ट्रॉली भूसा भिजवा दें गौरी गोपाल गौशाला में, आपका भूसा गौ माता खाए। गाय का मुख्य आहार भूसा है, उसमें फिर आप हरा चारा मिला सकते हैं, उसमें दलिया मिला सकते हैं। भूसा डायरेक्ट यदि आप हरा चारा खिलाएंगे तो गायों का पेट खराब हो जाता, थोड़ी ही मात्रा भूसा की क्यों ना हो, पर भूसा देना ही पड़ता है गायों को। तो आप भूसे का सहयोग जरूर कीजिएगा। अब गेहूं कटने वाली है, सीजन आ गया गेहूं का, किसान लोग खेत में जला देते हैं, वो हार्वेस्टर से कटवाते हैं, और जो डंठल होता है गेहूं का किसान उसे जला देते हैं। मेरी हाथ जोड़ के भारत के सभी किसानों से प्रार्थना है कि वो गायों का जो गेहूं निकाल लिया आपने, जो डंठल बचा है उसे जलाओ मत। यदि वो जला दिया तो आपने गायों का भोजन जला दिया, वो भोजन है गाय का। उसको जलाने से कितनी गौशालाओं में भूसा भरपूर मिलता ही नहीं है। आपको पता है पैसे देने के बाद भी बाजार में भूसा नहीं मिलता, किसान लोग जला देते हैं डंठल। मेरी भारत के प्रत्येक किसान से प्रार्थना है कि आप वो गेहूं का डंठल ना जलाया करो, वो आप किसी गौशाला में भिजवा दिया करो, तो गैया आपके बच्चों के नाम का, आपके नाम का भूसा खाएगी, पेट भरेगी, दुआएं मिलेगी। जलाने से कोई लाभ नहीं है। क्यों जी? जलाने से फायदा है। आप गोबर की खाद ले जाओ, गौशालाओं से किसान गोबर ले लिया करो। हमसे आप गौरी गोपाल गौशाला में 10 ट्राली, 20 ट्राली, 100 ट्राली, 1000 ट्राली आप गोबर की खाद ले लो, फ्री में, कोई दिक्कत नहीं, फ्री में ले लो खाद, लेकिन भूसा लाओ। क्योंकि आप जलाएंगे उससे खेत को फायदा नहीं है, गोबर डालेंगे, खाद डालेंगे तो खेत को फायदा है। और आपके वो डंठल, गेहूं के डंठल से गेहूं आप बेच लो किसान भाई, और डंठल का भूसा करके गौ माता तक पहुंचाओ। ये भारत के प्रत्येक किसानों की जिम्मेदारी है। गाय भूखी मर जाती है, जो भूसे का अभाव इतना है, क्योंकि अब कहां से लाए। आज पहले के जमाने में थ्रेसर से गहाई होती थी, समझ रही हो मेरी माँ, थ्रेसर होती थी तो एक तरफ गेहूं निकलता था, एक तरफ भूसा सुरक्षित निकल जाता था, किसान बेच लेता था, किसान को भी कुछ पैसे मिल जाते थे भूसे के। अब आज के जमाने में क्या हो गया, हार्वेस्टर आ गया, हार्वेस्टर ने गेहूं तुरंत निकाल दी और डंठल वो फेंक दिया खेत में, किसान ने आई माचिस लगा दी, खत्म, नुकसान हो गया गायों का। इसलिए गाय का वो जो गेहूं के नीचे का जो डंठल है, प्लीज प्रार्थना मेरी स्वीकार कीजिए। आप लोग भी इसमें सब भाई किसानों से बोला करिए कि वो मत जलाओ, वो आप बेचेंगे, आपको पैसा भी, आप पैसा लीजिए पर भूसा दीजिए। ढूंढा नहीं मिलता भूसा। अभी गेहूं का सीजन आएगा, 15 दिन के अंदर पूरे बाजार से भूसा गायब हो जाएगा। एक तो इसकी ब्लैकमेलिंग भी होती है, बड़े बड़े लोग भूसा लेके अपने गोदामों में भर देते हैं, बाद में महंगा बेचते हैं, कम है ना भूसा, इसलिए बड़ा दिक्कत जाती है भूसा खरीदने में, पैसे देने पर भी नहीं मिलता सही माल। तो मेरी प्रार्थना, आप में से जितने किसान भाई हैं मेरी बात मानोगे ना तो गौरी गोपाल गौशाला में आप आए, गायों का दर्शन करें और गाय की सेवा के लिए भूसे की सेवा करें। गौरी गोपाल गुरुकुल है, वहां बच्चे पढ़ते हैं, आप शिक्षा में गौरी गोपाल गुरुकुल की परंपराएं नष्ट ना हो, आप भी बच्चों की शिक्षा दीक्षा में सहयोगी बने। गौरी गोपाल आश्रम में इतनी सेवाएं हैं कि हम गिना भी नहीं पाते आप लोगों को, आप खुद अपनी आंखों से आकर देखिए। भगवान ने आप में से किसी को निमित्त बनाया है, आइए, कुछ दानवीर महापुरुषों ने, आप जैसे दानवीर महापुरुषों ने वृद्ध माओं के लिए, यहाँ की सेवाओं के लिए सहयोग पहुंचाए हैं। नाम सुनते हैं, भगवान से प्रार्थना करेंगे कि आपने जितना दिया है इन वृद्ध माओं के लिए, रसोई के लिए, गायों के लिए, उसका कई गुना ज्यादा भगवान आपको दें। आप अपने बच्चों को लाया करो, बच्चों के नाम से तुला दान कराया करो गौरी गोपाल गौशाला में। आइए, कुछ भक्तों ने अपने नाम पहुंचाए हैं, सेवाओं से जोड़ा है अपने आप को। भगवान सदा आप सभी की झोलियां भरी रखें। नाम सुनते हैं दानवीर महापुरुषों का। बड़ी सुंदर पावन कथा सदगुरुदेव भगवान श्रवण कराने के बाद जोरदार तालियां पूजे सदगुरुदेव भगवान के लिए। बड़ी सुंदर प्यारी कथा सुनाने के लिए, पावन सेवाओं के बारे में बताने के लिए और उन सेवाओं से जुड़ने का सो अवसर हमें और आपको प्राप्त करवाने के लिए। आइए, मैं चाहूंगा कि आप भी अपने योगदान के हाथ आगे बढ़ाएं। सेवाएं तो श्रीधाम प्रदावन में निरंतर चली रही हैं, बस आवश्यकता है आपके सुंदर से योगदान भरे हाथों की, ताकि इन सेवाओं को और भी सुंदर तरीके से निरंतर यहाँ जारी रखा जा सके। आइए, आज की श्रेणी में आदरणीय श्री दलपत राणा जी भाई राठौर, आप मुंबई से हैं और आपने 51,000 रुपए सभी सेवाओं के लिए भेजा है। एक बार जोरदार तालियां दलपत राणा जी के लिए। मुंबई से आप सब परिवार जुड़ रहे हैं, पुण्य की प्राप्ति कर रहे हैं, आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। पशुपतिनाथ झा मधुबनी बिहार से आपने 25,000 रुपए, सुशील कुमार लखनऊ से आपने 25,000 रुपए, स्वर्गीय सुरेश चंद्र जी के नाम से, स्वर्गीय लज्जावती चंद्र के नाम से अमृतसर पंजाब से 21,000 रुपए की योगदान देते उनके परिवार के द्वारा एक माह को आजीवन सहारा दिया गया है, आपके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। मुकेश कुमार चौधरी, आप नांदेराव जी चौधरी आप झारखंड से 21,000 रुपए देते हुए एक माह का जीवन सहारा बने। नील कुमार जी उपाध्याय भोपाल से आप एक माह का सहारा बनते हुए 21,000 रुपए का योगदान दे रहे हैं, आपके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। निशाल सिंह यादव जी देवरिया से आप 21,000 रुपए, विकास शर्मा जी फरीदाबाद से आपने 20,000 रुपए दिए हैं और एक माह का आजीवन सहारा लेते हुए आपने प्यार और आशीर्वाद लूटा है, आपके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। इसी श्रेणी में शारदा देवी, अंजना देवी, हितेंद्र वर्मा जी आप प्रदान कर रहे हैं 15,401 रुपए। सरला जी गुप्ता सतना से आप 11,100 रुपए, पुन्यासी देवी टीका राम जी कचला में आप पैरोला उठनी से 11,101 रुपए, रौनक राज जी जमुई बिहार से 11,000 रुपए, प्रभात हुए जयपुर से 11,000 रुपए, प्रेम प्रदास शर्मा जी जयपुर से 11,000 रुपए, तो श्रीराम जी पटेल आप सूर्यान जी पटेल के नाम से महासुमन से 11,000 रुपए, मनोज कुमार तिकमानी तमिलनाडु से आप 11,000 रुपए, अविनाश जी तिकमानी तमिलनाडु से 11,000 रुपए आप दे रहे हैं। एक बार जोरदार तालियां इन सभी दानवीर महापुरुषों के लिए जिन्होंने न केवल अपने योगदान के पावन हाथ आगे बढ़ाए हैं बल्कि धर्म से धन को जोड़ा है और धन को धर्म में बनाते हुए पुण्य कमाया है। ऐसे सभी दानवीर महापुरुषों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अब आइए, मैं चाहूंगा जितने भी मेरे प्यारे भाई बहन यहाँ बैठे हैं अथवा अपने घर बैठे इन पावन सेवाओं के दर्शन कर रहे हैं, नाम सुन रहे हैं दानवीर महापुरुषों के, तो क्यों ना आपका भी नाम इन दानवीर महापुरुषों की श्रेणी से जोड़ा जाए, आपको भी पुण्य की प्राप्ति हो। तो आइए, मैं चाहूंगा कि आप भी अपने योगदान के हाथ आगे बढ़ाएं और इन माओं का सहारा बने जो माए आज हमारे परिवार का हिस्सा बनी हुई हैं। 275 माओं में से किसी एक माँ का सहारा अगर आप बनने लायक हैं तो जरूर बने। मात्र 21,000 रुपए के छोटे से योगदान से आप एक माँ का सहारा बन जाएंगे और जीवन भर के लिए पुण्य आशीर्वाद के साथ में गौरी गोपाल आश्रम परिवार से भी आप अपने आप को जोड़ लेंगे। इसी के साथ में यहाँ चलने वाली गौरी गोपाल अन्य क्षेत्र की 52 सेवा से जुड़कर आप संत सेवा के लिए अपने योगदान के हाथ आगे बढ़ा सकते हैं। साथ ही यहाँ चलने वाली गौरी गोपाल रसोई सुबह से लेकर रात्रि तक खुली है और यहाँ कोई भी आकर के प्रसादी पा सकता है, वो भी एकदम निःशुल्क। एक बार जोरदार तालियां इस रसोई के लिए, सदगुरुदेव भगवान के लिए जिनके माध्यम से इतनी सुंदर और विशाल रसोई निरंतर यहाँ चल रही है। आइए, मैं चाहूंगा कि इस रसोई का हिस्सा आप भी बने, साक्ष्य बने और आप पुण्य की प्राप्ति करें। मात्र 31,000 रुपए के छोटे से योगदान से आप एक दिन की संपूर्ण रसोई की 52 सेवा का कार्यभार अपने हाथों से करते हुए पुण्य के भागीदार बन सकते हैं। इसी के साथ में अन्यत्र और भी सेवाएं श्रीधाम प्रदावन में चल रही हैं, जिन सेवाओं के दर्शन करने के लिए पूरी दुनिया भर से लोग यहाँ आते हैं और आए भी तो क्यों ना आए। इतनी सुंदर सेवाएं हमारे गुरुदेव भगवान और आप सबके सहयोग और प्यार के माध्यम से चल रही है। एक बार जोरदार तालियां गुरुदेव भगवान के लिए और उन सभी दानवीर महापुरुषों के लिए जो अपने योगदान के हाथ आगे बढ़ाते हैं, इन पावन सेवाओं से अपने आप को जोड़ते हैं। आइए, मैं चाहूंगा कि आप भी अपने आप को जोड़ें। जितने भी लोग यहाँ बैठे हैं आप भी अपने योगदान के हाथ आगे बढ़ाएं। काउंटर यहाँ भी लगा है अथवा आश्रम मंदिर में आप दर्शन करने जाएंगे वहां भी काउंटर पर जाकर के अपने योगदान के हाथ आगे बढ़ाते हुए आप अपने आप को जोड़ सकते हैं। इसी श्रेणी में जो लोग घर बैठे ही अपने योगदान के हाथ आगे बढ़ाते हुए अपने आप को जोड़ना चाहते हैं, उनके लिए लगातार टीवी चैनल के माध्यम से खाता संख्या, फोन नंबर और क्यूआर कोड देखा जा रहा है ताकि वो लोग घर बैठे ही अपने योगदान के हाथ आगे बढ़ाते हुए अपने आप को जोड़ सकें। इसी के साथ में लगातार भागवत जी के पोथी पाठ श्रीधाम वृंदावन में बैठ रहे हैं। अभी हाल ही में भागवत जी का पोथी पाठ चल रहा है और 164 परिवारिक जन हमसे जुड़े हैं। और इसी श्रेणी में जिनका नाम नहीं आ पाया, जो अपने परिवार की सुख शांति के लिए, अपने पितरों के कल्याण की मुक्ति के लिए भागवत जी का पाठ बिठाना चाहते हैं, उनके लिए सूचना है 12 से 18 अप्रैल भागवत जी के एक बार पुनः सुंदर से पोथी पाठ बैठ रहे हैं। तो आप भी अपने परिवार की सुख शांति के लिए, अपने पितरों के कल्याण की मुक्ति के लिए भागवत जी का सुंदर सा संपूर्ण पाठ यहाँ वृंदावन में बिठा सकते हैं। तो आइए, पोथी पाठ यजमान बनेंगे, इस पावन गंगा को अपने सिर पर धारण करेंगे और अपना और अपने पितरों का कल्याण सुनिश्चित करेंगे। अब आइए चलेंगे शेष पावन कथा की और एक बार पुनः दोनों हाथ उठाकर बड़े भाव से मेरे साथ बोलेंगे राधे। भगवान की पावन कथा कुंती बुआ ने, भगवान ने माता द्रौपदी के कहने पर अश्वत्थामा को छोड़ा। सिर की मणि निकालकर उन्होंने उत्तरा के गर्भ को नष्ट करने के लिए ब्रह्मास्त्र चलाया। भगवान उत्तरा के गर्भ में जाकर उन्होंने उत्तरा के गर्भ की रक्षा की। इसके बाद कुंती बुआ ने भगवान से विपत्ति मांगी तो भगवान ने अपने आप को दिया। कुंती बुआ ने भगवान की स्तुति की। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। हे प्रभु, मैं आपको कभी भूलू नहीं, भगवान ने अपने आप को दिया। भीष्म पितामह पर भगवान ने कृपा की, उन्होंने स्तुति की। इतिमति रूप कल्पिता वितृष्णा भगवती सात्वत पुंगवे विभूमि स्वसुख मुपगते क्वचित विहर्तुम प्रकृति मुपेयोषी यद भव प्रवाह। भगवान ने अपने आप को दिया, पितामह पर कृपा की, उनकी परम गति हुई। द्वारिका भगवान का जाना, वहां जाकर भगवान सबसे भेंट करते हैं। परीक्षित जी का जन्म हुआ, परीक्षित जी कलयुग के राजा बने। जब भगवान की 125 वर्ष की लीला पूरी हुई और भगवान जाने लगे, तब भक्तों ने कहा, प्रभु हम कहाँ रहेंगे, आपके बिना कैसे रहेंगे। भगवान बोले, हम जा नहीं रहे, हमारा जब जब अनुभव करना चाहो तो भागवत सुन लेना, हमारा अनुभव तुम्हें हो जाएगा। ईश्वर की याद, भगवान की याद दिलाती हैं भागवत जी। भगवान श्री कृष्ण के जाने के बाद पांचों पांडव स्वर्गारोहण के लिए निकल गए। कलयुग के राजा परीक्षित जी, राजा परीक्षित जी ने कलयुग को रहने के 4 कमरे बनवाए। द्यूतम पानम स्त्रिया सोना। जुआ में कलयुग रहता है, जुआ मत खेलना। शराब में कलयुग रहता है, शराब मत पीना। पराई स्त्री पराई पुरुष के चक्कर में ना पड़ना, कलयुग के शिकारी हो जाओगे। और मांस मत खाना। कलयुग यहाँ रहता है हत्या में, हिंसा में और बेईमानी से कमाया हुआ धन, चाहे वो सोना हो, चांदी हो, जमीन हो, जायदाद। जो बेईमानी से कमाएगा उसके उस धन में कलयुग बैठकर उसकी बुद्धि भ्रष्ट करेगा और उसका नाश होगा। ये 5 स्थान कलयुग के हैं। राजा परीक्षित कलयुग को बोला, यहाँ से चले जाओ। कलयुग बोला, मैं बहुत अच्छा हूँ। कलयुग में अच्छाई सिर्फ इतनी है कि कृते यध्यायते विष्णुम त्रेतायाम यजतो मखई द्वापरे परिचर्यायाम कलौ केशव कीर्तनात्। सतयुग त्रेता द्वापर में जो गति यज्ञ जप तप करने से होती थी, कलयुग में वही गति केवल भगवान की कथा सुनकर नाम जप करने से हो जाती है। कलयुग सबसे अच्छा युग है कल्याण के लिए। राजा परीक्षित जी के सिर पर मुकुट थी, कलयुग सिर पे आकर बैठा। और समीक जी के गले में मरा हुआ सांप इन्होंने डाला। उनके पुत्र श्रृंगी जी ने श्राप दिया, इति लंघित मर्यादम तक्ष कहा सप्तमेहनी। आज से 7वें दिन तक्षक तुम्हें डसेगा और मृत्यु हो जाएगी। राजा परीक्षित जी ने पुत्र जनमेजय को राजा बनाया और सुकताल गए, जहाँ सुखदेव भगवान का आगमन हुआ। बोलिए सुखदेव भगवान की। हाथ जोड़कर राजा परीक्षित जी ने कहा, गुरुदेव जिसे 7 दिन में मरना हो उसे क्या करना चाहिए। सुखदेव भगवान बोले, उसे भगवान का गुणगान सुनना चाहिए, भगवान के आश्रित रहना चाहिए। सुखदेव भगवान राजा परीक्षित जी को दिव्य भगवान की कथा सुनाने लगे और भगवान की दिव्य लीलाओं में सुखदेव भगवान खो गए, डूब गए। राजा परीक्षित जी ने प्रश्न किया है, पूजन करके आगे की चर्चा। दोनों भगवत चिंतन में डूबे हैं सुखदेव भगवान और परीक्षित जी। आगे की चर्चा कल सुनेंगे। आप लोग अपना मोबाइल, पर्स, सोना चांदी संभाल के रखिएगा। 7 बजे प्रश्नोत्तरी होगी। आप अपने मोबाइल पर जाइए, यूट्यूब पर अनिरुद्धाचार्य टाइप कीजिए, आपको प्रश्नोत्तरी किस चैनल पर मिलेगी। आप यूट्यूब पर जाइए और अनिरुद्धाचार्य टाइप कीजिए, चैनल इस तरह से खुलकर आएगा। चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और शेयर कीजिएगा। और आप भी इस परिवार से जुड़िएगा। नित्य प्रश्नोत्तरी होती है इस परिवार में। कोई भी आप सवाल हो आध्यात्म जगत से जुड़ा हुआ, जो बनेगा ये दास से आपकी सेवा करेगा। आप भी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और आप भी जुड़िए, जिसमें 1,35,36,00,000 लोगों का परिवार जुड़ा हुआ है। इतना बड़ा पूरे भारत देश का आध्यात्म जगत का ये परिवार है। आप भी इस परिवार से जुड़े हैं। प्रिय भक्तों, आइए एक बार भगवान नाम में झूम लेते हैं, फिर आरती का आनंद लेते हैं। ओ बनवारी तेरी यारी ने दीवाना बना दिया, दीवाना बना दिया, दीवाना बना दिया हमें, मस्ताना बना दिया। बनवारी गिरधारी बनवारी तेरे यारे, दीवाना बना दिया बनवारी तेरे यारे ने, दीवाना बना दिया। सबके सहार लाखों, सबके सहार लाखों, हम मुझे श्याम का सहारा, सबके सहार लाखों, हम मुझे श्याम का सहारा। जिस श्याम का सहारा, जिस श्याम का सहारा, दुनिया में वो नहारा। सबके सहार लाखों, हाँ सबके सहार लाखों, मुझे श्याम का सहारा। सबके सहार लाखों, मुझे श्याम का सहारा। श्रीमन्नारायण चरणौ शरणं प्रपद्ये, श्रीमते नारायणाय नमः। हरिः ओम। ओम सद्ब्रह्मा मनसोर्जातश्चक्षुः क्षुर्जोजायत श्रोत्राद्वायस प्राणसमुखादग्निराजायत। मन में बसा कर तेरी मूर्ति मूर्ति उतारूं मैं गिरधर, मैं गिरधर तेरी आरती आरती। हो 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 आ, मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। बसा कर तेरी मूर्ति उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। मैं बसा कर तेरी मूर्ति उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। करुणा करो कष्ट हरो ज्ञान दो भगवन, भाव बसी नाव मेरी तार दो भगवन। दर्द की दवा तुम्हारे पास है, दर्द की दवा तुम्हारे पास है। जिंदगी दया की भीख मांगती, मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। तुझसे क्या मैं यही सोचूं भगवन, जिंदगी जब तेरे नाम कर दी अर्पण। सब कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा, सब कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा, चिंता है तुझको प्रभु संसार की, मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। जिसने तेरा नाम लिया उसके जाज भाग, सोते हुए जीवन से अब तो प्राण जाग। कम है जिंदगी कर लो बंदगी, कम है जिंदगी कर लो बंदगी, प्रभु का हाथ हो तो मौत न मारती, मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। वेद तेरी महिमा गाए संत करें ध्यान, नारद गुण गान करें छेड़ वीणा तान। वेद तेरी महिमा गाए संत करें ध्यान, नारद गुण गान करें छेड़ वीणा तान। भक्त तेरे करते हैं पुकार, भक्त तेरे द्वार करते हैं पुकार, दास अनिरुद्ध तेरी गाए आरती, मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। बोल राम गरमा बदारम संसार सारम भगवेंद्र हारम सदावदन हरियार वेदे नम भवानी सैजन नम। मंदार माला दंदल गाय कपाल माला से भराया दिगंबराय जगदम्बराय नम शिवाय नम शिवाय। त्वमेव माता जगता त्वमेव त्वमेव बंधो जस्ता त्वमेव त्वमेव नित्या दौरम त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देवते। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वरः, गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। अच्युतं केशवं रामनारायणं कृष्णं दामोदरं वासुदेवं हरिं श्रीधरं माधवं गोपिकावल्लभं जानकीनायकं रामचन्द्रं भजे। हरे राम 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 हरे हरे, कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे। गद गद बंसी वाले गोकुल के राजा, मेरी अखियाँ दर्द रही अब तो आजा। गद गद बंसी वाले गोकुल के राजा, मेरी अखियाँ दर्द रही अब तो आजा। अजन दुलाल तरस रहे नैना, अज गोपाल बरस रहे नैना, तरस रहे नैना 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 बरस रहे नैना, अज गोपाल तरस रहे नैना, अज गोपाल कृष्णा राधे कृष्णा हरे हरे। ओम जगन से दलिकरण पुष्पेदिवाद मंत्र मारोद्यान मंत्र पुष्पांजलि हरे हे। ओम माम जगने जगनमय जन्म देवास्तान धर्मान धर्मान्या सन्ना देहनागम महिमान संसत्र पूर्वे साध्या सत्यदेवा। हरे ओम एकदंताय विद्महे वक्रतुंडाय धीमहि तन्नो दन्त प्रचोदयात्। वृंदावन बिहारी लाल के जय। धर्म की जय हो, धर्म का प्राणियों में विश्व का, गौ माता की जय हो, गौ हत्या सत्य सनातन धर्म की, श्री अयोध्या धाम की, चित्रकूट धाम की, हरिद्वार धाम की, वृंदावन धाम की जय जय श्री राधे श्याम। जिनको मिलना है आप एक एक से यहाँ आ जाइए और आप मिल लीजिए जिनको मिलना है। यहाँ मिलने के बाद अंदर गौरी गोपाल मंदिर में भी मिलेंगे, जिनको मिलना है आप यहाँ भी मिल सकते हैं, अंदर भी मिल सकते हैं। सुनने वालों कथा को देता यहीं विराम, कल फिर हम सुनवाएंगे लेकर कृष्ण का नाम। जय जय श्री कृष्णा, जय जय श्री कृष्णा, जय जय श्री कृष्णा, जय जय श्री कृष्णा। शरण पड़े की लाज है तुम राखो जगदीश, दोनों भुजा पसार के करो चरण में से सियावर राम। जय जय राम मेरे प्रभु राम, जय जय राम करो कल्याण, जय जय राम। आप सभी भक्तों से निवेदन है जिनको भी महाराष्ट्र से मिलना